से साउथ अफ्रीका वुमेंस के बीच में आ चुके हैं आप सभी लोगों के साथ हम इस बड़े मुकाबले को लेकर, जहां पर मुकाबला एक बहुत ही शानदार होने जा रहा है। टॉस आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला न्यूजीलैंड टीम ने ले लिया है। इस मुकाबले के अंदर स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का, जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुकाबले में। और दोस्तों आज का ये मुकाबला होगा रोमांचक और एक बेहतरीन, यहाँ तो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलता हुआ दोस्तों नजर आने वाला है। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का स्वागत करते हैं। खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं, प्लेयर एंट्री कर रहे हैं मैदान के अंदर और मुकाबले की जो शुरुआत है बस वो आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खिलाड़ी मैदान पर आने वाले हैं और मैच की शुरुआत बस कुछ ही पलों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में ये दोस्तों पाँचवा T20 मुकाबला बस कुछ ही पलों के अंदर खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं और मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए पहले आज के मुकाबले के अंदर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया है इस मुकाबले में। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं आप सभी लोगों को बता दें कि आज ये पाँचवा T20 मुकाबला खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका की सरजमी पे। न्यूजीलैंड टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये पाँचवा T20 मुकाबला कुछ ही पलों के अंदर शुरू होने जा रहा है। खिलाड़ी जो है वो एंट्री करते हुए अब मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं और मुकाबले की शुरुआत बस कुछ ही पलों के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। न्यूजीलैंड वुमेन आज टॉस जीती है। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, टॉस न्यूजीलैंड टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का जो है फैसला लिया गया इस मुकाबले के अंदर। बात करें विलियम मोरे पार्क बनोनी साउथ अफ्रीका में मुकाबला खेला जा रहा है। बनोनी में मैच खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पर मौसम की हम बात करें तो मौसम पूरी तरह से यहाँ पर शानदार है। बारिश की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, सूरज जो है पूरी तरह से खुला हुआ है मैदान पर, बारिश की कोई संभावना आज के मैदान में नज़र नहीं आ रही। खिलाड़ी एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मुकाबले में, बस कुछ ही पलों के अंदर मुकाबले की शुरुआत होती हुई नज़र आने वाली है। तो जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, जो भी भाई हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के मुकाबले में। भारत और क्षमा चाहूँगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में ये पहला पांचवा T20 मुकाबला, या पांचवा T20 मुकाबला। चलिए प्लेयर्स एंट्री कर चुके हैं आप सभी लोगों को बता दें और इस पांचवा T20 मुकाबले के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, फिलहाल तेज गेंदबाज की गेंदबाजी आती हुई यहाँ पर स्कोर कार्ड में आपको लगा रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ प्लेयर जो है एंट्री कर रहे हैं और मुकाबले की जो शुरुआत है अब वो दोस्तों आपको हमारे साथ देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर पहली गेंद तहियू लाई थी, तहियू ने पहली गेंद को ड्राइव किया था इस बार बल्लेबाजी में। बॉलबर्ट ने गेंद को खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं है। तो जो स्कोर है वो दोस्तों अभी भी रुका हुआ है। फिलहाल अगली गेंद ओवर की और इस बार उठा दिया है इस गेंद को और गेंद सीधी दोस्तों बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। चार रनों के लिए साउथ अफ्रीका की शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका चार रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। स्कोर कार्ड हम आपको लगा रहे हैं, टेंशन ना लीजिएगा और लगातार मुकाबले की जो कवरेज है वो आपको हमारे साथ सुनने को मिलने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब करती रहेगा मेरे भाई। उसी के साथ ही दो गेंदें हो चुकी हैं, चार रन टीम ने बना लिए इस मुकाबले के अंदर। फिलहाल इस मैच के अंदर एक चौका लगाया अभी अभी बॉलबर्ट ने, बढ़िया शॉट, अच्छा चौका और इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है बॉलबर्ट के द्वारा। इसी के साथ अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी इसको रुका हुआ है साउथ अफ्रीका का। चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेले जा रहे इस पहले पांचवें टी ट्वेंटी मुकाबले में। इस पांच टी ट्वेंटी मुकाबलों की श्रृंखला का ये पांचवा टी ट्वेंटी मुकाबला बिनोनी के साउथ अफ्रीका के मैदान पर खेला जा रहा है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है इस मैदान के अंदर। पांचवीं गेंद, अच्छी गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद पर बढ़िया गेंद थी, सिंगल के लिए खेला, सिंगल के साथ ही स्कोर हो चुका है साउथ अफ्रीका का। पांच रन बिना विकेट के नुकसान के बाद पांचवीं गेंद लेकर तैयार था हुई चले राइट आर्म ओवर द विकेट ब्रिट्स के लिए। ब्रिट्स जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है और टीम का स्कोर हो चुका है साउथ अफ्रीका का पांच रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार तहियू की बात करें तो तहियू भी अभी तक देखा जाए इस मुकाबले के अंदर अपना जलवा दिखा सकती हैं। एक बढ़िया मैच है उनके द्वारा देखने को मिलने वाला है। गेंदबाजी से विकेट टेकर बॉलिंग है करती हैं। अगली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी और इस बार दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कोई रन लेने का मौका नहीं है। स्कोर अभी भी टीम का रुका हुआ है पाँच रन बिना विकेट के नुकसान के बाद।
ये बहुत ही शानदार मुकाबला, पांचवा T20 मुकाबला खेला जा रहा है इस मैच के अंदर। अगर हम बात करें तो ये पांचवा T20 मैच न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में पांच T20 मैचों की श्रृंखला का ये आखिरी T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पांच रन बनाए। अगली गेंद अंतिम गेंद पर इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया है और एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। एक रन के साथ ही स्कोर हो चुका है टीम का फिलहाल 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। इस श्रृंखला में अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं T20 श्रृंखला में न्यूजीलैंड की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड की टीम लीड लेकर चल रही है एक मैच की, मतलब कि पिछले 4 मैचों में से लीड चल रही है और न्यूजीलैंड श्रृंखला पर कब्जा कर सकती है इस मुकाबले में और देखने वाली बात होगी। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दक्षिण अफ्रीका 6 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका के वुमेन बीच में खेला जा रहा है ये दोस्तों एक बड़ा मुकाबला, बेहतरीन मैच खेला जा रहा है और ये पांचवा T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस पांचवें T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की जो टीम है वो एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकती है इस मैच के अंदर। तो एक ओवर का खेल हो चुका है लेकिन दक्षिण अफ्रीका जो है इस मुकाबले के अंदर देखा जाए तो अभी तक शुरुआत अच्छी नहीं कर पाई है और इस मुकाबले में स्कोर टीम का हो चुका है बढ़ता हुआ फिलहाल 206 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद एक ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर की सूफी डिवाइन आई है, डिवाइन की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट है, गेंद अच्छी गेंद इस बार इस गेंद को खेला एक और सिंगल आता हुआ और इसी सिंगल के साथ ही स्कोर हो चुका है साउथ अफ्रीका वुमेन का 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद 1.1 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है। अगली गेंद लेकर तैयार स्वर्गीय फिलहाल दूसरी गेंद लेकर तैयार डिवाइन चलेंगी, डिवाइन ने अभी तक फिलहाल पहली गेंद पर 1 रन दिया है और टीम का स्कोर 7 रन साउथ अफ्रीका का बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। एक अच्छा मुकाबला और एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलने वाला है आज के इस मुकाबले में। इसी के साथ ही अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद और बल्ले का जो है संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं और इसी के साथ ही इसको टीम का फिलहाल रुका हुआ है टीम इस मैच के अंदर देखा जाए 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद 1.2 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। 9.2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बना ली है टीम साउथ अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका आज के मुकाबले में टॉस हार गई है, न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान ने टॉस जीता, सूपी डिवाइन गेंदबाजी करने का फैसला लिया इस मुकाबले में और अभी तक देखा जाए तो फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी। इस ओवर की तीसरी गेंद डिवाइन चली, अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब रही, बाल बाल बची वहां पर बॉल बैट, इस बार रन नहीं मिलेगा। 3 गेंदों में मात्र अभी तक 1 ही रन आया है इस ओवर के अंदर, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक सूफी डिवाइन के द्वारा देखने को मिल रही है। डिवाइन लंबी ऊंची गति के खिलाड़ी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। अगली गेंद जहां पर इस ओवर की फिलहाल तीसरी गेंद पर एक सिंगल चुराया था और सिंगल के साथ ही साउथ अफ्रीका 8 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद ये दूसरा ओवर चल रहा है। अच्छी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स की हुई है। इसी के साथ ही अगली गेंद इस ओवर की फिलहाल चौथी गेंद को फ्लिक कर दिया और गेंद जा रही इस बार फाइन लेग की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 9 बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद 1.4 ओवर का जो खेल है वो दोस्तों समाप्त हो चुका है। पांचवी गेंद लेकर तैयार डिवाइन चलेंगे, इस ओवर की पांचवी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल बट के लिए, बॉल बट ने 5 गेंदों में 6 रनों की पारी खेली है और दक्षिण अफ्रीका 9 रन पर बिना कोई विकेट नुकसान के बाद 1.4 ओवर का खेल हो चुका है। पांचवी गेंद लेकर तैयार डिवाइन चलेंगे। देखिए सुबी डिवाइन की मैं बात करूंगा, डिवाइन एक अच्छी खिलाड़ी है और विकेट टेकर मानी जाती है, विकेट चटकाती हैं और अभी आप देखें तो अभी तक उनको विकेट मिला नहीं है लेकिन देखने वाली बात होगी कि विकेट निकाल पाती हैं या नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट, पांचवी गेंद इस बार फ्लाइट डिलीवरी थी, इस बार इस गेंद को उठा दिया बॉल बट ने मिड ऑन के बगल से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार कदमों का प्रयोग करने का प्रयास जरूर किया लेकिन फ्लाइट डिलीवरी अंदर की तरफ आ रही थी, इस बार शानदार शॉट खेला बॉल बट ने और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दक्षिण अफ्रीका की पारी का यह दूसरा चौका वो भी बॉल बट के बल्ले से निकलता हुआ। लॉरा बॉल बट ने अभी तक 2 चौके जड़े हैं और ट्रेंट ब्रिट्स ने अभी तक 5 गेंदों में 3 रनों की पारी खेलकर खेल रही है, नॉट आउट, कोई बड़ा शॉट अभी तक उनके बल्ले से नहीं मिला है। इसी के साथ इस ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अंतिम गेंद पर एक और सिंगल बॉल बट के द्वारा, हल्के हाथों से गेंद को थर्ड मैन की तरफ डिफेंस किया था, एक और सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 14 बिना विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 14 रन बना लिए हैं अभी तक दोस्तों अगर हम बात करें बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दक्षिण अफ्रीका 14 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद
ये दोस्तों मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला है। आज के मैच के अंदर अगर न्यूजीलैंड की टीम हार जाती है तो श्रृंखला पर बराबरी हो जाएगी, और न्यूजीलैंड की टीम अगर मैच जीत जाती है तो शायद इस मैच में न्यूजीलैंड की श्रृंखला पर कब्जा कर लेगी। दक्षिण अफ्रीका की कोशिश भरपूर है, अच्छी शुरुआत साउथ अफ्रीका वुमेंस की हुई है इस मुकाबले में। साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की है, 2 ओवर में 14 रन है, कोई विकेट नहीं है, और ये एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए। इसी के साथ ही अगली गेंद विलियम पार्क की ओर से गेंदबाजी कर रही हैं, वहाँ पर जॉनिस ने इस बार इस गेंद को ओवर पिच गेंद को रखा, लगभग 115 की किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, सीधे बल्ले से खेला था। इस बार बॉल बट ने लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, फील्डर बीच में मौजूद थे, एक रन आसानी के साथ पूरा बॉल बट ने पूरा किया, 12 पर पहुंची थी एक रन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका वुमेंस 15 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। बिलो मोरे पार्क में ये बिनोनी के साउथ अफ्रीका के मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। मौसम पूरी तरह से शानदार है, कोई बारिश की संभावना इस मैदान पर हमें नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अभी भी 15 रन हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। 2.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। साउथ अफ्रीका वुमेन बनाम न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में ये 5वां T20 मुकाबला बिनोनी में खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। अगली गेंद तीसरी गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन एक और सिंगल, धनंजय म्यूजिक भाई का स्वागत है। विकेट कब गिरेगा? विकेट 4थे ओवर में आ सकता है, 3रे ओवर में भी विकेट आना संभव नहीं है, 4थे ओवर में शायद एक विकेट सुबी डिवाइन ले सकती हैं। चले इसी के साथ ही अगली गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार जॉनस चली राइट आर्म ओवर द विकेट। जॉनस की गेंद बॉल बट के लिए, बॉल बट जिन्होंने अभी तक अच्छी गेंद बल्लेबाजी करी है, इस बार गेंद को डिफेंस कर दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं है। और इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद मैच के अंदर। दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन बना लिए हैं मेरे भाइयों बिना विकेट के नुकसान के बाद, ये 3रा ओवर चल रहा है। और अभी तक हम बात करें तो साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से फॉलवर्ड 12 पर खेल रही हैं, वहीं पर ब्रिट्स ने एक 4 रनों की पारी अभी तक खेली है छोटी सी 7 गेंदों में। अगली गेंद जॉनस चली गेंदबाजी रनअप पर दौड़ती हुई, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल कर दिया, फॉलवर्ड ने गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत ही शानदार शॉट फॉलवर्ड के बल्ले से निकलता हुआ, और एक और चौका आता हुआ, एक और शानदार शॉट गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही कमाल का चौका आता हुआ बॉल बट के बल्ले से, 3रा बाउंड्री आता हुआ, इस बार कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद इस ओवर की जॉरिस की, जो कि गुड लेंथ की बॉल, 1 रन लेने का मौका, गेंद की मिड ऑफ की तरफ, एक और सिंगल आता हुआ। दक्षिण अफ्रीका 21 बिना विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 21 रन हो चुका है बिना विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों यह बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है बॉल बट, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है, अभी तक दक्षिण अफ्रीका ने कोई विकेट गंवाया नहीं है इस मुकाबले में, और 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 रन प्रति ओवर से रन बढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए इस मुकाबले के अंदर। साउथ अफ्रीका की टीम ने कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत अच्छी की है, और अब देखने वाली बात हो सकती है कि आने वाले इस मुकाबले के अंदर दक्षिण अफ्रीका खास तौर से किस तरीके से आगे जाने वाली है। कम से कम 140 से 150 रन बनाना बहुत जरूरी होगा अगर आपकी टीम को आगे लेकर जाना है, और अगर आपको इस मुकाबले में बने रहना है तो कम से कम आपको इस मुकाबले में 140 से 150 रन अगर बन जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, एक बढ़िया स्कोर माना जा सकता है इस मुकाबले के अंदर। इसी के साथ इस ओवर की अगली गेंद और 4थे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में जा रहे हैं सुबी डिवाइन, जिन्होंने 1 ओवर डाला, अच्छा ओवर रहा था, पिछले ओवर में उन्होंने जरूर एक चौका खाया था तो 8 रन दे दिए थे। दक्षिण अफ्रीका की स्कोर 7 रन प्रति ओवर से रन बन रहे हैं, और शानदार शुरुआत साउथ अफ्रीका की इस मैच में हुई है। 4थे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार चले गेंदबाजी में, इस ओवर की पहली गेंद, इस बार कदमों का प्रयोग बॉल बट ने कर दिया, गेंदबाज के बगल से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दक्षिण अफ्रीका का एक और बाउंड्री आता हुआ, 4 चौके लगा चुके हैं लॉर्ड बॉल बट, 21 पर पहुंच चुके हैं इस मुकाबले में 12 गेंदों में। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी और बहुत ही शानदार बैटिंग कर रही है इस मुकाबले के अंदर, कमाल की शुरुआत कर चुकी हैं इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के लिए। समझो कदमों का प्रयोग करके गेंदबाज की बगल से खेलना चाहती थी कारसूर की पहली गेंद, जो कि इस बार लेग साइड की तरफ गई थी, और उस ओवर की अगली गेंद, इस बार संपर्क अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया, गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कौर चौका, एक चौका लेग बाई से आया है तो एक चौका बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच आया है, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। दक्षिण अफ्रीका एक गजब की शुरुआत इस T20 मैच के अंदर कर चुकी है, ये 4था ओवर चल रहा है और दक्षिण अफ्रीका ने 29 रन बना लिए हैं बिना विकेट के नुकसान के बाद, ये 4था ओवर चलता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ ही अगली गेंद, फिलहाल इस पर की तीसरी गेंद को खेला सीधे वाले से, एक और बहुत ही शानदार गेंद, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 29, बिना विकेट के नुकसान के बाद ये चौथा ओवर चल रहा है इस मुकाबले में। हमारे जितने भी भाई जुड़े हुए, स्वागत है आप सभी लोगों का इस मुकाबले के अंदर। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार कारसून चले इस ओवर की चौथी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी और इस बार इस गेंद को डिफेंस करने चले गई, बाल बाल बची, गेंद अंदर की तरफ आई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कारसून के द्वारा, लगातार इस ओवर में एक चौका, दो चौके जरूर आए हैं लेकिन एक चौके पर तो बीट कर दिया था बिल्कुल, लेकिन इस बार बढ़िया गेंदबाजी करती हुई। स्कोर अभी भी दक्षिण अफ्रीका का रुका हुआ है 29 रन, बिना विकेट के नुकसान के बाद अंतिम पांचवीं गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ साउथ अफ्रीका 30 रन बना ली है। 30 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना ली है इस मुकाबले के अंदर अभी तक, बिना विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। हमारे जितने भी भाई और जितने भी दोस्त इस मुकाबले के अंदर जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आखिरी गेंद पर इस बार इस गेंद को खेल दिया है, गेंद इस बार सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और चार ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़ रहे हैं या जो भी भाई हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम ने, साउथ अफ्रीका वुमेन टीम ने 30 रन बना लिए हैं चार ओवर में। पहले टॉस जीता आज न्यूजीलैंड की कप्तान ने और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले आज बॉलिंग करने का फैसला लिया इस मुकाबले के अंदर। बॉलिंग करने का फैसला कितना सही साबित होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक हम बात करें तो इस मुकाबले में बहुत ही अच्छी शुरुआत कर चुकी है दक्षिण अफ्रीका टीम। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बहुत ही शानदार हो चुकी है इस मुकाबले में, चार ओवर हो चुके हैं, चार ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं, लगभग देखा जाए तो 7.5 रन प्रति ओवर रन बन रहे हैं इस मुकाबले के अंदर दक्षिण अफ्रीका के। अगली गेंद इस ओवर की पांचवें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में जाती हुई बॉल बट के लिए तहयू आई है अपना दूसरा ओवर लेकर। तहयू ने अपना पहले ओवर में 6 रन दिए थे लेकिन इस मुकाबले में अपना दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं तहयू। टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। पांचवा ओवर लेकर आई है टीम का, इस ओवर में एक विकेट आ सकता है मेरे भाई, वो विकेट की प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूं इस ओवर में। जी हाँ, विकेट की प्रेडिक्शन इस ओवर के अंदर आ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। इसी के साथ ही इस ओवर की पहली गेंद तहयू चली, इस बार बल्ले के बिल्कुल बगल से निकलती हुई, गेंद थाई पेट पे टकराई है लेकिन इस बार सिंगल चुरा लिया है वहां पर ब्रिट्स ने। गेंद जब तक जाती है स्कोर लेग की तरफ, एक रन आसानी के साथ पूरा किया और एक रन के साथ स्कोर साउथ अफ्रीका 32 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। ये पांचवा ओवर चल रहा है, 4.2 ओवर की खेल की समाप्ति, दक्षिण अफ्रीका 32 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। लॉरा भलबट 17 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रही हैं, ब्रिट्स ने 9 गेंदों में अभी तक 5 रनों की पारी खेली है। पांचवा ओवर चलता हुआ तहयू अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार बॉलबट के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया, एक और सिंगल आता हुआ। हमारे साथ अमित मीना जी का स्वागत है, डीपी धनंजय भाई का स्वागत करते हैं। क्या इस ओवर के अंदर एक विकेट आने वाला है दोस्तों? विकेट की प्रेडिक्शन आ रही है। अमित भाई बोल रहे हैं सर ये मैच को लाइव कहां देखें? भाई हमारे साथ आप लाइव मैच देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चौथी गेंद लेकर तैयार चलेंगे तहयू, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना कर रहे हैं ब्रेट्स, ब्रेट्स जो कि 9 गेंदों में अभी तक 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर 33 हो चुका है इस मुकाबले के अंदर, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरवाया है। देखिए विकेट प्रेडिक्शन में दे रहा हूं आपको, विकेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, विकेट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है और विकेट की तलाश जो की है बहुत जल्दी विकेट आने वाला है दोस्तों। इसी के साथ ही चौथी गेंद तहयू चली, राइट आर्म ओवर द विकेट, ब्रिट्स ने इस बार गेंद को पंच कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका 34 बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद ये पांचवा ओवर चल रहा है और विकेट की प्रेडिक्शन हमने आपको दी है कि विकेट बहुत जल्दी आने वाला है दक्षिण अफ्रीका का, पहला विकेट दक्षिण अफ्रीका अपना बहुत जल्दी गंवाने वाली है। इसी के साथ ही इस ओवर की पांचवीं गेंद लेकर तैयार तहयू चलेंगी, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे अगली गेंद का इस ओवर की बॉलबट, बॉलबट ने 18 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली है और दक्षिण अफ्रीका 34 रन, कोई विकेट नहीं है दक्षिण अफ्रीका का इस मुकाबले में। शानदार शुरुआत अभी तक हो चुकी है, देखिए शुरुआत अच्छी हुई है, पूरी तरह से बैटिंग पावर प्ले का फायदा दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ले लिया इस मुकाबले में। आप लोगों को भी बता दूं कि मुकाबले के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम आज टॉस हारी थी और टॉस हारने के बाद पहले आज बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। अगली गेंद इस ओवर की पांचवीं गेंद को, इस बार इस गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है फाइनल की तरफ, एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल नहीं दो रन चुरा लेंगे। इसी के साथ दो रनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 36 बिना विकेट के नुकसान के बाद। पांचवा ओवर चल रहा है मेरे भाइयों और पांचवें ओवर की अभी तक देखा जाए तो पांच गेंदों में इस ओवर के अंदर देखा जाए तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं
अभी तक इस ओवर के अंदर 6 रन आ चुके हैं 5 गेंदों के अंदर। अगली गेंद आखिरी गेंद लेकर तय हुई चलेंगी। इस पर की अंतिम गेंद सामना कर रही है बॉलबट। बॉलबट ने 19 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली है। स्कोर अभी भी टीम का रुका हुआ है साउथ अफ्रीका का 36 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। अंतिम गेंद और विकेट आ चुका है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल रहा था इस ओवर के अंदर आपने हमारी आवाज़ सुनी होगी, मैंने बोला था इस ओवर में एक विकेट अलर्ट आ रहा है और ये लीजिए विकेट आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन बहुत कम खराब जाती है। और आप लोगों को बता दूं विकेट आ चुका है, प्रेडिक्शन किस किस ने सुना था जरूर हमें कमेंट में बताते रहिएगा, क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी इस ओवर में एक विकेट आने वाला है, बोल्ड कर दिया है तहू ने। शानदार विकेट मिलता हुआ बॉलबट का विकेट, 24 पर आउट हो गई। चारों खाने चित किया, लगातार अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ की गेंद बीट कर दिया बॉलबट के लिए और गेंद सीधी स्टंप में टकराई। मैंने आपको पहले ही बोला था इस ओवर की पहली गेंद पर ही मैंने बोल दिया था कि इस ओवर में विकेट अलर्ट में बोल रहा हूँ, इस ओवर में एक विकेट आ सकता है और ये लिए विकेट आ चुका है। कोई भी आपको प्रेडिक्शन गलत नहीं होती हमारे यहाँ, हम जो भी प्रेडिक्शन देते हैं वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाती है। और ये भी मैं बता दूं कि ये मुकाबला टक्कर का होगा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच टक्कर का होगा। कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी रहेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन इस मुकाबले में। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेले जा रहे इस 5वें T20 मुकाबला बिनोली में दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर खेला जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि इस ओवर में जो कि 5वें ओवर में एक विकेट आ सकता है और ये लीजिए 5वें ओवर में विकेट आ चुका है। हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई यार, हमें प्रेडिक्शन सही करना पड़ता है। आप लोगों के लिए सही प्रेडिक्शन हम देते हैं और इसी के साथ ही अब हमारे साथ अब कब आएगा भाई धनंजय भाई, बोल रहे हैं कि अब कब आएगा। बिल्कुल धनंजय भाई अब जल्दी जल्दी विकेट आएंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। जल्दी जल्दी अभी एक विकेट और आ सकता है। इसी के साथ ही छठवें ओवर की पहली गेंद डिवाइन चली, डिवाइन की पहली गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही है। इस बार ब्रिट्स ने इस बार इस गेंद को खेल दिया, कोई रन लेने का मौका नहीं है। दक्षिण अफ्रीका अभी भी 36 रन हो चुकी है बिना विकेट के नुकसान के बाद। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 36 रन बना लिए हैं इस मैच के अंदर एक विकेट के नुकसान के बाद। अभी अभी दक्षिण अफ्रीका का एक विकेट गिर चुका है दोस्तों। और जैसा कि विकेट प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई विकेट आएगा कब आएगा, मैंने बोल दिया था कि विकेट इसी ओवर में आएगा। और दोस्तों इस ओवर की अगली गेंद पर देखते कि क्या होगा। दूसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में चले इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट डिवाइन, डिवाइन की अगली गेंद इस ओवर की ब्रिट्स के लिए। ब्रिट्स ने इस बार इस गेंद को उठाने का प्रयास किया, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर जा रही है फाइन लेग की तरफ, जहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद। गेंद को जब तक उठाते हैं थ्रो करते हैं बल्लेबाजों ने, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। ब्रिट्स पहुंच गए हैं इसी के साथ ही 8 रन पर 12 गेंदों में। सबसे बड़ी बात है कि कोई चौका अभी तक उन्होंने नहीं लगाया है, कोई छक्का अभी तक उन्होंने नहीं लगाया है। और दक्षिण अफ्रीका 38 रन बना चुकी है इस मुकाबले के अंदर एक विकेट के नुकसान के बाद। दक्षिण अफ्रीका ने 38 रन बना लिए हैं और इसी के साथ ही अगली गेंद इस ओवर की और इस बार इस गेंद को उठा दिया। इस बार गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ दक्षिण अफ्रीका के ब्रिट्स के बल्ले से। और मैंने अभी बोला था ना कि ब्रिट्स ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम लगा देते हैं बाउंड्री। डी के संदीप हो रहे हैं आई ब्रिट्स कितने रन मारेगी, लगभग 25 से 30 रन जरूर मारेगी ब्रिट्स, 25 से 30 रन तो जरूर मार सकती है ब्रिट्स। इसी के साथ इस पर की चौथी गेंद डिवाइन की चौथी गेंद को इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेल दिया। एक और सिंगल आता हुआ दक्षिण अफ्रीका 43 रन बिना किसी विकेट के एक विकेट के नुकसान के बाद। क्षमा चाहूंगा 43 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। ये दोस्तों फिलहाल छठवां ओवर चल रहा है। ब्रिट्स ने 13 रनों की पारी 14 गेंदों में खेली है और वहीं पर साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान के बाद ये छठवां ओवर चल रहा है। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। लाइव कैसे देखें भाई, भाई लाइव देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर जुड़ना होगा। थोड़ी देर के अंदर मैं लाइव भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप लाइव हमारे साथ देख सकते हैं। बस थोड़ी देर में मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा अगर आपको देखना है तो, फिलहाल मैं लाइव नहीं दिखाता। इसी के साथ ही 5वीं गेंद डिवाइन की अच्छी गेंद और एक और अच्छी गेंद थी, एक और सिंगल आता हुआ दक्षिण अफ्रीका। देखिए सबसे बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका ने 6 ओवर में अच्छा शुरुआत किया है, बैटिंग अच्छी कर रही है। और अभी तक हम बात करें तो स्कोर टीम का 41-44 हो चुका है। इस बार मिस फील्ड हो गई और जहां एक रन था वहां 3 रन मिल जाएंगे। लीजिए जहां एक रन था वहां 3 रन मिल जाएंगे टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए। 46 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए एक विकेट के नुकसान के बाद। 5.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस मुकाबले में।
जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं दोस्तों इस मैच के अंदर। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार चलेंगे। इस ओवर के अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 46 हो चुका है इस मुकाबले में। फिलहाल इस मैच के अंदर देखा जाए, अभी तक हम बात कर रहे हैं एक विकेट के नुकसान के बाद दक्षिण अफ्रीका फिलहाल हो चुका है इसको टीम का 46 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मैं कमेंटेटर मोहन यादव आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये मुकाबला जो कि 5वां T20 मुकाबला बिनौली के दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर खेला जा रहा है और इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम देखते हैं कि किस तरीके से आज अपना जो जलवा है वो दिखा सकती है। मैं तो आज के मुकाबले के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका टीम को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। आज साउथ अफ्रीका टीम को मेरा सपोर्ट है और अगर साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आज देखते हैं कि क्या होगा। 7वें ओवर में एक खतरा जरूर मंडरा रहा है, एक और विकेट का खतरा मंडरा रहा है 7वें ओवर में। देखते हैं कि 7वें ओवर में एक और विकेट क्या गिर सकता है, क्योंकि ये लग रहा है मुझे कि एक और विकेट बहुत जल्दी आने वाला है। 7वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अब गेंदबाज चलें। 7वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगी बल्लेबाजी में बोच ने आज 3 रनों की पारी खेली है अभी तक एक गेंद के अंदर और टीम दक्षिण अफ्रीका 46 एक विकेट के नुकसान के बाद। 7वें ओवर की पहली गेंद पेनफोल्ड आई है गेंदबाजी करने के लिए। पेनफोल्ड की यह गेंद अच्छी गेंद थी, गुरलेंथ की बॉल, इस बार इस गेंद को खेल दिया, आराम से एक रन लेने का मौका मिलेगा। कवर की तरफ फील्डर जहां पर मौजूद थे गेंद को फील्ड कर लिया, आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है और दक्षिण अफ्रीका 47 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों ये 7वां ओवर चल रहा है साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में खेला जा रहा ये दोस्तों फिलहाल 5वां T20 मुकाबला बिनौली के पार्क मैदान पर खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में और अच्छी धूप खिली हुई है, पूरी तरह से मौसम साफ है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। पेनफोल्ड की अगली गेंद, इस बार इस गेंद को उठाकर खेला और इस बार गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी और इस बार बेहतरीन चौका आता हुआ और इसी चौके के साथ ही साउथ अफ्रीका 51 रन बना चुके हैं इस मुकाबले के अंदर। फिलहाल एक विकेट के नुकसान के बाद दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में शानदार शुरुआत कर दी है, इस मैच के अंदर एक बढ़िया शुरुआत कर दी है इस मुकाबले में और साउथ अफ्रीका 51 रन एक विकेट के नुकसान के बाद हो चुका है दक्षिण अफ्रीका का स्कोर इस मुकाबले में एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 7वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों, तो 7वां ओवर चल रहा है और साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं इस मुकाबले में 51 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार चलेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की क्षमा चाहूंगा, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका 6.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 51 रन बना चुकी है एक विकेट के नुकसान के बाद। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के मुकाबले में, जहां पर बहुत बड़ा मुकाबला है, आज बहुत बड़ा मैच है ये दोनों ही टीमों के लिए और देखते हैं कि आज किस तरीके से मुकाबला। मज़ा नहीं आ रहा है मसूद रिजा जी, क्या मज़ा नहीं आ रहा है मुझे जरूर बताइए, मज़ा क्यों नहीं आ रहा है मेरे भाई। ब्रिट्स अभी भी 17 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रही हैं और वूच ने आज 2 गेंदों में अभी तक 4 रनों की पारी खेली है। अगली गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार फैने फुल चली अपने ओवर की गेंदबाजी लेकर, जहां पर इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करते इस बार अच्छी गेंद डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 51 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 6.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बूच 4 रन बनाकर खेल रही हैं 2 गेंदों में और ब्रिट्स ने 18 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली है, जिसमें 2 चौके अभी तक ब्रिट्स के बल्ले से निकले हैं और बूच अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं बाउंड्री का। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। 5वीं गेंद लेकर तैयार पेनफोल्ड चलेंगे इस ओवर के अंतिम गेंद, 5वीं गेंद लेकर तैयार ब्रिट्स के लिए। ब्रिट्स ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, शॉर्ट गेंद थी उठा दी हवा में और इसी के साथ गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस 4 रनों के लिए। इस बार इस गेंद को फुल कर दिया था ब्रिट्स ने पेनफोल्ड की पहली 5वीं गेंद पर चौका, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर चौका आता हुआ। रन लगातार बन रहे हैं साउथ अफ्रीका टीम के लिए, लगातार रनों की जो गति है वो रन बनते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में और दक्षिण अफ्रीका 55 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है, 5वीं गेंद का सामना कर रही हैं ब्रिट्स। 19 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रही हैं और टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई है 55 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार अंतिम गेंद इस ओवर की पेनफोल्ड चली, अंतिम गेंद का सामना कर रही हैं ब्रिट्स। ब्रिट्स ने अभी तक 19 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली है और इसी के साथ ही स्कोर हो चुका है 55 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 7वां ओवर चल रहा है अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार इस गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए हैं
रीड्स पहुंच गए हैं दो रनों के साथ ही 23 के स्कोर के अंदर, और वहीं पर 20 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हो चुका है 57 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों इस मुकाबले में एक बेहतरीन मुकाबला, 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 57 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 8वें ओवर की शुरुआत होती हुई अब नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी जुड़े रहें और हमें बताते रहें कि आप कहां कहां से आप हमारी कमेंट्री का आनंद ले रहे हैं, कहां कहां से आप हमारी कमेंट्री का मजा ले रहे हैं, और आप सभी लोग अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने जगह का नाम बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का मैं नाम लेने वाला हूँ, सभी लोगों के नाम हमारे साथ मिलने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें और जुड़े रहें इस मुकाबले में। फिलहाल 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार होंगे गेंदबाजी में, इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाजी में बूच, जिन्होंने आज 2 गेंदों में 4 रनों की पारी दक्षिण अफ्रीका के लिए खेली है। 8वें ओवर की पहली गेंद अमेलिया कैर आई हैं। अमेलिया कैर का प्रदर्शन देखते हैं कि किस तरीके से होता है आज। अमेलिया कैर की पहली गेंद, और अमेलिया कैर की पहली गेंद को ही इस बार इस गेंद को डिस्पैच कर दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के करीब, फील्डर वहां पर मौजूद थे। डी बक्से कवर की तरफ 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे और 2 रनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स 59 हो चुका है। एक मिड ऑन एक मिड ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद है, एक फील्डर चमचमा एक फील्डर मिड ऑन की तरफ है, एक लॉन्ग ऑन की तरफ जो था वो लॉन्ग ऑफ की तरफ कर दिया गया है, और एक फील्डर पॉइंट एक स्क्वायर लेग एक कैचिंग पोजीशन पर था जो कि शॉर्ट थर्डमैन लगा दिया गया है, एक स्क्वायर लेग का फील्डर मौजूद है, और इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 59 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद जहां पर इस ओवर की अगली गेंद पर गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, कोई रन लेने का मौका नहीं है। एक गेंद एक सिंगल और आ चुका है, क्षमा चाहूंगा तीसरी गेंद पर एक सिंगल आएगा, सिंगल के साथ ही इसको टीम का बढ़ता हुआ फिलहाल 60 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। अमेलिया कैर एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड टीम के लिए, राइट हैंड मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी करती हैं और राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिन गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। 13 अक्टूबर 2000 में जन्मी वेलिंगटन में ये शानदार खिलाड़ी अमेलिया कैर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करती हैं और गेंदबाजी भी बहुत ही शानदार करती हुई नजर आती हैं। चलिए इसी के साथ ईश्वर की अगली गेंद जहां पर फिलहाल ईश्वर की चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। अगली गेंद लेकर तैयार ईश्वर की फिलहाल पांचवीं गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पांचवीं गेंद ईश्वर की जहां पर दोस्तों पांचवीं गेंद को खेल दिया है, इस बार एक रन और मिलेगा और एक रन के साथ ही साउथ अफ्रीका 61 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये 8वां ओवर चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ संदीप राव जी जुड़कर कितने रन जाएंगे। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है इस ओवर के अंदर, देखते हैं कि अंतिम गेंद पर क्या एक बड़ा शॉट लगा पाएंगी बल्लेबाजी बोच, अभी तक कोई चौका आया नहीं है। अंतिम गेंद पर एक सिंगल आएगा, सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है और 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है मेरे भाइयों। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 62 रन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड की टीम ने ले लिया है इस मुकाबले में, जहां पर बोच ने 6 गेंदों में 8 रनों की पारी और ब्रिट्स ने 22 गेंदों में 24 रनों की पारी इस मुकाबले में खेली है। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 62 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं मैं सभी भाइयों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ ही 9वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अमेलिया कैर आज अच्छा गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में इन्होंने अभी तक देखा जाए 5 रन ही दिए। हमारे साथ सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड वुमेन ने आज टॉस जीता। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़ रहे हैं, टॉस न्यूजीलैंड वुमेन ने जीता था, पहले बॉलिंग करने का फैसला इस मुकाबले में लिया और अभी तक फिलहाल अच्छी शुरुआत हुई है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक कोई विकेट क्षमा चाहूंगा एक विकेट गवाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये विकेट जो गवाया है ना, ये एक ही विकेट गवाया है। शुरुआत बहुत अच्छी कर दी है आज के मुकाबले में। देखिए संदीप जी कितने ओवर के होगा भाई ये, 20-20 ओवर का मैच है, 20-20 ओवर का खेल है और अभी देखा जाए तो 9वां ओवर चल रहा है। कार्सून अपना दूसरा ओवर लेकर आई हैं। कार्सून ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है, पिछले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे इन्होंने, अच्छी गेंदबाजी करके दिखा रही हैं। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से बढ़िया गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं है। दक्षिण अफ्रीका वुमेन अभी भी 62 रन स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। कार्सून की मैं बात करूं तो कार्सून टीम के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी करती हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बढ़िया गेंद और कोई रन नहीं मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दबाव बना दिया है, दबाव बना के खेल रहे हैं, दबाव बनाते हुए नजर आ रही हैं। इस मुकाबले के अंदर साउथ अफ्रीका का स्कोर 62 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। चौथी गेंद लेकर तैयार चलेंगी, अभी तक 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया है। इस ओवर की चौथी गेंद को उठाने का प्रयास किया, गेंद जो है इस बार पॉइंट के ऊपर से गई है, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए और इन्हीं 2 रनों के साथ ही
साउथ अफ्रीका वुमेन 64 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये नौवां ओवर चल रहा है। हमारे जितने भी भाई और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका का स्कोर हो चुका है 64 रन। अगली गेंद पर इस बार इस गेंद को फ्लिक कर दिया था, एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 65 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये नौवां ओवर चल रहा है। ब्रिट्स ने 22 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली है और फूस ने 11 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली है। अगली गेंद अंतिम गेंद इस ओवर की कार्सून लेकर चलेंगे। देखिए कार्सून की मैं बात करूं तो वो अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गेंदबाजी करके दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रनों की गति पर बहुत अंकुश लगाया है इन्होंने। अंतिम गेंद लेकर चलेंगे कार्सून। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रही हैं और इस बार इस गेंद को स्वीप कर दिया बहुत ही शानदार शॉट ब्रिट्स के द्वारा और गेंद सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्वीप के अंदाज में शॉट खेला है और जैसा खेला है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई सीधा, किसी भी फील्डर के लिए गेंद रोकने का मौका ही नहीं, गेंद को सिर्फ देखते रह जाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ ही स्कोर 69 हो चुका है दक्षिण अफ्रीका का फिलहाल एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर। 9 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 69 रन एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इसी के साथ ही 9 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में फिलहाल इस मैच के अंदर देखा जाए तो अभी तक 69 रन बना चुकी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 155 से 160 रन बन सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के, लेकिन 150 तो मुझे लग रहा है बन जाएंगे। 150 साउथ अफ्रीका बनाना चाहेगी, इतना रन बनाना बहुत जरूरी होगा इस मुकाबले में क्योंकि रनों की गति को बनाने के लिए आपके लिए जरूरी होगा। रन नहीं बनाएंगे तो मैच कैसे आगे लेकर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इसी के साथ ही फिलहाल 10 ओवर की पहली गेंद और इस ओवर की पहली गेंद को उठाकर खेला था, एक बार फिर से गेंद जा रही है इस बार लेग स्टंप की ओर से। इस बार खेला था, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अभी भी 71 हो गया है एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 10वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में फिर से चलनी इस ओवर की तीसरी गेंद में लिया कैर चलनी सामना करेंगे ब्रिट्स। ब्रिट्स जिन्होंने अभी तक 23 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली है और अभी तक देखा जाए तो 4 चौके ब्रिट्स लगा चुकी हैं, तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। आप लोग हमें कमेंट में भूलिएगा नहीं दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कि आज के मुकाबले के अंदर किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है और कौन सी टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रहेगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगली गेंद तीसरी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला है अमेलिया कैर की गेंद, जहां पर थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी और गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद गई सीधा फील्डर के हाथों में। इस बार फिलहाल देखा जाए तो एक रन लेने का मौका मिलेगा। चौथी गेंद पर इस बार एक और सिंगल आता हुआ, साउथ अफ्रीका वुमेन अभी भी 74 रन हो चुका है इसको टीम का एक विकेट के नुकसान के बाद। साउथ अफ्रीका वुमेन 74 फॉर 1 विकेट, 9.4 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है। ये पांचवी गेंद लेकर तैयार अमेलिया कैर जा रही हैं और अमेलिया कैर अभी तक देखा जाए तो फिलहाल 10 रन दे चुकी हैं इस ओवर के अंदर, 5 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। एक और बढ़िया गेंद थी, इस बार इस गेंद को कट कर दिया लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा और एक एक रन के साथ ही साउथ अफ्रीका अब 75 रन बना चुकी है एक विकेट के नुकसान के बाद। दक्षिण अफ्रीका ने 75 रन बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। 10वां ओवर चल रहा है, टॉस न्यूजीलैंड वुमेन ने जीता था, पहले बॉलिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड कर रहा है और अभी तक बॉलिंग करने का जो फैसला है वो सही साबित होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है दक्षिण न्यूजीलैंड टीम के लिए। इसी के साथ ही 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है मेरे भाइयों और अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो 75 हो चुका है इस मुकाबले के अंदर एक विकेट के नुकसान के बाद, जहां पर बूच 15 पर मौजूद हैं और वहीं पर ब्रिट्स ने अभी तक 25 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली है इस मुकाबले के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, मैं जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल ड्रिंक्स की ट्रॉली जरूर मैदान पर आई है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस रणनीति के साथ अब यहाँ पर आगे चलने वाले हैं, क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी और किस तरीके से क्या सोच होगी, क्योंकि अभी तक हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम जानती है कि इस मुकाबले के अंदर अगर उनको जीतना है, अगर इस मुकाबले के अंदर अपना प्रदर्शन दिखाना है तो शायद इस मैच के अंदर उनको अपने बड़े शॉट के लिए जाना होगा और बड़े स्कोर की ओर जाना होगा साउथ अफ्रीका टीम के लिए। वो यहाँ पर स्कोर बन पाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी मेरे भाइयों। आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस बेहतरीन मुकाबले के अंदर, आप सभी भाइयों का स्वागत और अभिनंदन है। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आने वाली 60 गेंदें अभी बची हुई हैं मेरे भाइयों और 60 गेंदों में अब यहाँ पर हम देखें तो 75 रन अभी तक बना लिए हैं। अगर 75 रन और बन जाते हैं
तो शायद 150 रन जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका की टीम बना लेगी। साउथ अफ्रीका की टीम लगभग 150 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी, इसमें कोई दोराई नहीं है। चलिए इसी के साथ ही 11 ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना कर रही हैं पहली गेंद का ब्रिट्स, जो कि 25 गेंदों में अभी तक 30 रनों की पारी खेल चुकी हैं। और साउथ अफ्रीका वुमेन जो है इस मैच के अंदर 75 रन पर एक विकेट जो है उनका नजर आया है इस मुकाबले में। चलिए फिलहाल अब देखने वाली बात हो सकती है कि इस मुकाबले के अंदर किस तरीके से मैच आगे चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े खेले इस मुकाबले में, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल ड्रिंक्स की जो ट्रॉली है वो मैदान से बाहर जा रही है, मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ नजर आने वाला है। मेरे भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। चलिए 11 ओवर की पहली गेंद शुरुआत होने जा रही है पहली गेंद का, इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे ब्रिट्स, जो कि 25 गेंदों में 30 रनों की पारी खेल चुके हैं और टीम का स्कोर हो चुका है 75 रन एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। 11वां ओवर शुरुआत होने जा रहा है और देखते हैं कि 11वें ओवर की शुरुआत कौन सी खिलाड़ी करती हुई नजर आने वाली हैं। हमारे जितने भी दोस्त जुड़े हैं आप सभी लोगों को बता दूं आज न्यूजीलैंड वुमेन बनाम साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में ये दोस्तों मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले के अंदर साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो फिलहाल इस मुकाबले के अंदर अभी तक कहीं ना कहीं 75 रन बना चुकी है, बहुत बढ़िया शुरुआत कर चुकी है इस मुकाबले में और एक विकेट अभी तक टीम ने गंवाया है इस मैच के अंदर। देखिए रन तो अच्छे बने हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आपको विकेट हाथ में है तो थोड़ा सा और गति के साथ खेलें, और गति के साथ अगर आप खेल जाते हैं तो मौका रहेगा आपको कम से कम 160 रन बनाने का, 150-160 रन अगर बन जाते हैं ना तो मुकाबला बढ़िया रहने वाला है। प्रेडिक्शन आ रही है विकेट की दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों को विकेट्स की प्रेडिक्शन आने वाली है थोड़ी देर के अंदर और देखने वाली बात होगी कि विकेट जो है वो कितने जल्दी गिरता हुआ नजर आने वाला है। मैं कमेंटेटर मोहन यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस मुकाबले में, जहाँ पर मैच बस कुछ ही पलों के अंदर शुरुआत होने जा रही है इस मैच के अंदर। चलिए इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार 11 ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, चले इस ओवर की पहली गेंद बढ़िया गेंद, 30 बार इस गेंद को खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं था और पहली गेंद पर जहां पर गेंदबाजी में कार्सून अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, दीपक पाल गाजियापुर से, मोहन भाई नमस्कार, नमस्कार रोशन पाल और दीपक पाल भी बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं यार, इनका यूट्यूब चैनल थोड़ा बढ़ नहीं रहा है, ये गणित जो मैथ है मैथ की जानकारी देते हैं, लगातार अच्छे क्वेश्चन देते हैं, मैं इनका देखता हूं लेकिन उम्मीद करते हैं मेहनत करने के हिसाब से उनको मेहनत के साथ फल नहीं मिल रहा है, बहुत जल्दी फल मिलेगा उम्मीद करते हैं। 11वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार कार्सन, चलेंगे अगले गेंद इस ओवर की जहां पर इस बार फ्लिक कर दिया था, एक रन लेने का मौका मिलेगा और एक रन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 76 रन पर एक विकेट के नुकसान के बाद हो चुकी है। ये फिलहाल 11वां ओवर चल रहा है इस मुकाबले में, 11वां ओवर चल रहा है, सुवर की फिलहाल तीसरी गेंद पर फ्लिक करने का प्रयास, लेग बाई का सिंगल आएगा। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल इसी के साथ ही कार्सून चले अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, चौथी गेंद की लेकर जा रही हैं कार्सून, सामना कर रही हैं बोच जिन्होंने इस मुकाबले के अंदर अभी तक 15 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली है और टीम दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो हो चुका है और 76 रन एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में ये 11वां ओवर चल रहा है, 11वां ओवर चल रहा है। इस ओवर की फिलहाल एक और सिंगल आता हुआ, लेग बाई के सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका फिलहाल इस मुकाबले के अंदर चल रही है। इसी के साथ ही इस ओवर की फिलहाल तीसरी गेंद उठा दिया इस बार इस गेंद को और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, तीसरी गेंद को खेल दिया, गेंद सीधी दोस्तों बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई, मौका नहीं था किसी भी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का, गेंद दंदनाती हुई 4 रनों के लिए चली गई, 4 रनों के लिए दोस्तों। और इसी चौके के साथ ही साउथ अफ्रीका का स्कोर 84 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद, 11वां ओवर चल रहा है, 11वें ओवर की 4 गेंदों में स्कोर दक्षिण अफ्रीका का 84 हो चुका है, 4 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 2 बहुत ही शानदार बैक टू बैक चौके आते हुए इस ओवर के अंदर, कमाल की बल्लेबाजी और कमाल का ये मैच देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर में। 5वीं गेंद लेकर तैयार कार्सून, चलेंगे अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट बॉस के लिए, वो जो कि 23 पर मौजूद है, इस बार इस गेंद को फ्लिक कर दिया और गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 85 रन पर एक विकेट हो चुका है साउथ अफ्रीका का इस मुकाबले में। हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूँ इस मुकाबले में। इसी के साथ ही आखिरी गेंद लेकर तैयार
और अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है अंतिम गेंद का। देखते हैं कि अगली गेंद पर क्या एक बड़ा शॉट और मिलेगा हमें देखने को। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंतिम गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार रन नहीं मिलेगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में फिलहाल 11 ओवर हो चुके हैं और 11 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में फिलहाल बहुत ही शानदार शुरुआत करी है। इस मुकाबले में हम जितनी तारीफ करें वो कम है दक्षिण अफ्रीका की। 11 ओवर की समाप्ति, 85 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम का स्कोर हो चुका है इस मुकाबले में। चलिए इसी के साथ ही अब देखा जाए तो 9 ओवर का जो खेल है वो दोस्तों अभी बचा हुआ है और इन 9 ओवर के अंदर दक्षिण अफ्रीका की टीम देखते हैं कि कितना स्कोर बनाने में कामयाब हो पाती है इस मुकाबले में। 12वें ओवर की पहली गेंद शुरुआत हो रही है और अब देखते हैं कि इस ओवर की पहली गेंद जहां पर इस बार इस गेंद को खेल दिया है, एक रन और मिलेगा और एक और रन के साथ ही स्कोर टीम का फिलहाल बढ़ता हुआ अब 86 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद 211.1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार इस ओवर की फिलहाल अगली गेंद, जहां पर अगली गेंद को क्या एक बड़े शॉट के लिए जाने वाली हैं, क्या एक बड़ा शॉट लगाने वाली हैं ये देखने वाली बात हो सकती है। इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद जहां पर दूसरी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला है इस मुकाबले में कि आज के मुकाबले के अंदर दक्षिण अफ्रीका लगभग एक अच्छा स्कोर बना लेगी, एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी, इसमें कोई दोराई नहीं है। और 150 से 160 रन तो दक्षिण अफ्रीका टीम आज के मुकाबले बनाने वाली है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा इस मुकाबले के अंदर स्कोर। इसी के साथ ही अगली गेंद जहां पर इस बार गेंद को फिलहाल खेला सीधे बल्ले से, गेंद गई है फील्डर के हाथों में, रन लेने का कोई भी मौका नहीं है। और इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स 87 रन एक विकेट के नुकसान के बाद ये 12वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों, 12वां ओवर चल रहा है और 12वें ओवर की अभी तक जो है खिलाड़ी लगातार एक बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी गेंद इस ओवर की, जहां पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रनों की गति को बढ़ाना होगा दक्षिण अफ्रीका को, अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो कैसे मैच जीत पाएंगे, क्योंकि आपको लगभग 150 रन बनाना जरूरी है, 150 रन तो आपको बनाना ही होगा इस मुकाबले के अंदर अगर मैच को जीतना है। इसी के साथ ही पांचवीं गेंद अमेलिया कैर लेकर जा रही हैं, सामना करेंगी बोच और टीम का स्कोर हो चुका है 87 रन इस मुकाबले के अंदर। देखा जाए दोस्तों अभी तक एक विकेट के नुकसान के बाद अगली गेंद इस ओवर की पांचवीं गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एक और रन मिलेगा और एक और रन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हो चुका है 88 रन एक विकेट के नुकसान के बाद मेरे भाइयों। 88 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना लिए हैं इस मुकाबले के अंदर। टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने, पहले बॉलिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड टीम ने इस मुकाबले में ले लिया है। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं या जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अंतिम गेंद उठाकर खेल दिया इस बार और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। रोशन पाल बोल रहे कॉमेंट्री काफी ले तारीफ है भाई की, वीडियो लाइक करें लोग, अब सब धन्यवाद भाई आपका रोशन पाल जी आपका, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं रोशन पाल, धन्यवाद भाई आपका, आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ ही 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 12 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 94 रन बना चुकी है इस मुकाबले के अंदर। देखा जाए तो इस मैच के अंदर एक विकेट के नुकसान के बाद 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है इस मुकाबले में मेरे भाइयों। यह 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 12 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 94 रन बना चुके हैं इस मुकाबले में। अभी तक देखा जाए एक विकेट टीम ने गंवा दिया है साउथ अफ्रीका ने। अब 13वें ओवर की शुरुआत देखते हैं कि किस तरीके से होती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आने वाले जो 7 ओवर हैं अगर इनमें 70 रन ना जाते हैं तो आपके लिए कोई मौका, अच्छा खासा मौका रहेगा कि आप 160 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तक हम बात करें तो ब्रिट्स को अब बड़े शॉट लगाने होंगे, ब्रिट्स फॉर्म में हैं और अभी तक उनकी बल्लेबाजी भी बढ़िया हो रही है तो ब्रिट्स को बड़े बड़े शॉट लगाने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार, 13वें ओवर की पहली गेंद सामने करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि इस ओवर की पहली गेंद पर क्या होने वाला है, 13वें ओवर की पहली गेंद पर क्या होगा, 13वें ओवर की क्षमा चाहूँगा, इस ओवर की अंतिम गेंद पर जो दोस्तों आखिरकार एक बॉल बची हुई थी, छक्का लगाया था, लेकिन अंतिम गेंद पर देखने वाली बात होगी क्या होने वाला। 94 रन अभी तक टीम ने बनाए हैं दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट के नुकसान के बाद। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं या जो भी भाई हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और लगातार हमारे साथ बने रहें। अगली गेंद इस ओवर की पहली गेंद उठाकर खेला था इस बार, इस गेंद को लेग स्टंप की गेंद थी, गेंद गई थी दोस्तों इस बार डीप मिड विकेट की तरफ, जहां पर आसानी के साथ 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए और 2 रनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 96 रन हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में, इस मैच के अंदर। या तो दक्षिण अफ्रीका ने 96 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ईश्वर की अगली गेंद दूसरी गेंद लेकर तैयार चलेंगी
और इस पर की अगली गेंद विकेट आ चुका है दोस्तों, इसी के साथ ही पोच आउट हो गई हैं इस मुकाबले में। बड़ा विकेट आता हुआ इसी के साथ ही इस मुकाबले के अंदर अभी भी एक झटका लग चुका है टीम न्यूजीलैंड वहां पर और साउथ अफ्रीका के लिए, और वोच जो है अभी अभी दोस्तों आउट होती हुई जा रही है इस मुकाबले में। एक और झटका टीम को लगता हुआ न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में। निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका को यह झटका लगा है, बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है इस मुकाबले में, क्योंकि टीम इस मुकाबले के अंदर अपना शानदार प्रदर्शन कर रही थी, शुरुआत अच्छी है, लेकिन दूसरा विकेट गिरने से अब यहाँ पर मुसीबत बन चुकी। बोल्ड कर दिया है वहाँ पर दोस्तों, क्लीन बोल्ड कर दिया है और वोच को पवेलियन भेज दिया है साउथ अफ्रीका वुमेन्स का। यहाँ पर दोस्तों एक झटका लग चुका है, दूसरा विकेट का पतन दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए होता हुआ। हमारे साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में। क्लीन बोल्ड कर दिया है अभी अभी दोस्तों, एक और विकेट आ चुका है टीम के लिए, और इसी के साथ ही अब देखते हैं कि इस मुकाबले के अंदर दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो इस मैच में कितना स्कोर बना पाती है, क्योंकि अब रन बनाना है, और अगर आप इसी टाइम पे आप रन नहीं, अगर आप विकेट गंवाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि टीम के लिए मुसीबत की घड़ी जरूर रहने वाली है ये साउथ अफ्रीका टीम के लिए। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता था, और न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले आज बॉलिंग करने का जो फैसला है वो इस मुकाबले के अंदर ले लिया था, और बॉलिंग करते हुए फिलहाल अभी तक न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से दूसरा विकेट मिल चुका है, और देखते हैं कि आने वाले इस मुकाबले में फिलहाल क्या रोमांचकता देखने को मिलने वाली है। हमारे जितने भी भाई और जितने भी दोस्त इस मुकाबले के अंदर जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो मैच है, ये मुकाबला है, ये मुकाबला पांचवा T20 मुकाबला है, और इस पांचवें T20 मुकाबले के अंदर देखा जाए तो कमाल का ये मैच हमें दोस्तों देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है। इसी के साथ ही हमारे सभी लोगों को बता दूँ कि आज के इस मुकाबले में आप लोगों ने अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक वाला जो बटन है दोस्तों वो जरूर हमें दबाते रहिएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से मुकाबला आगे चलने वाला है। मेरे भाइयों आप सभी लोगों को बता दूं, अगली गेंद जहां पर इस बार इस गेंद को खेला, एक बार पांचवी गेंद, उस ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार शॉट खेल दिया है, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। चार रनों के लिए दक्षिण अफ्रीका 102 रन और दो विकेट के नुकसान के बाद चौके की भरमार लगातार नजर आ रही है अब, और विकेट गिरे चाहे ना गिरे चौका लगाना होगा। सुनील लुईस ने आते ही चौका लगा दिया है, टीम की कप्तान ने आते ही अपना बेहतरीन अंदाज में शुरुआत किया है इस मुकाबले का। बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है साउथ अफ्रीका वुमेन की, और आज मैं यार दक्षिण अफ्रीका को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताते रहें, और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज के मुकाबले के अंदर हमारा साउथ अफ्रीका टीम को सपोर्ट है इस मुकाबले के अंदर भी। देखते हैं कि साउथ अफ्रीका क्या इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाती है। इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद जहां पर अंतिम गेंद बाइट बॉल का सहारा आता हुआ, और बाइट बॉल के साथ ही स्कोर अभी भी टीम का 103 हो चुका है इस मुकाबले में, दो विकेट के नुकसान के बाद दक्षिण अफ्रीका, और 103 रन दो विकेट नुकसान के बाद ये 13वां ओवर चल रहा है मेरे भाई। और 13वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार आखिरी गेंद इस ओवर की, पेन फोल्ड चलेंगे, अंतिम गेंद सामने कर रहे हैं सुनील लुईस ने, इस बार इस गेंद को खेला, कोई रन नहीं मिलेगा, ओवर की अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन बना लिए टीम दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट के नुकसान के बाद। मैंने जो टारगेट दिया था, मैंने जो आपको बोला था दोस्तों कि लगभग आज दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो इस मैच के अंदर 155 से 160 रन बनाती हुई नज़र आ सकती है मेरे भाइयों, ऐसा मेरा कहना था, और बिल्कुल ऐसा मुझे लग भी रहा है कि इतना स्कोर जरूर बनाने में कामयाब रहेगी टीम इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा यार, आप लोगों का प्यार जो है मिलता रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ दोस्तों लगातार जुड़े रहें। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ से लिखा जाए तो लेखा जोखा जो हमें नज़र आ रहा है इस मुकाबले के अंदर, फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 103 हो चुका है, दो विकेट गिरे हैं और ये 13 ओवर हो चुके हैं, अब 7 ओवर का खेल बचा है मेरे भाइयों, और इन 7 ओवर के अंदर अब दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो देखते हैं कि रन बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, कितना स्कोर बना पाती है, क्योंकि 150 तो मुझे लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका बनाने में कामयाब रहने वाली है, 150 रन तो दक्षिण अफ्रीका की टीम बनाने में दोस्तों इस मुकाबले के अंदर कामयाब हो सकती है। इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद जहां पर शुरुआत होने जा रही है, 14वें ओवर की पहली गेंद को खेला, एक और सिंगल आता हुआ और
सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो 104 हो चुका है मेरे भाई। अभी तक देखा जाए दो विकेट के नुकसान के बाद 14वां ओवर अभी तक चल रहा है इस मैच के अंदर। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में जाते हुए फिलहाल राइट आर्म ओवर द विकेट। सुपर की अगली गेंद दूसरी गेंद जहां पर सुपर की दूसरी गेंद को क्या एक बड़ा शॉट लगाने में कामयाब रहेंगी, क्या एक बड़ा हिट इस ओवर के अंदर हमें देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है मेरे भाई। सभी लोग हमारे साथ जितने भी भाई जुड़े हैं, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत और मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसी के साथ ईश्वर की दूसरी गेंद इस बार इस गेंद को खेला एक और सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो हो चुका है 105 दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। दो विकेट के नुकसान के बाद ये 14वां ओवर चल रहा है और 14वां ओवर की अभी तक गेंदबाजी चल रही है जहां पर टीम ने 105 रन बना लिए हैं इस मुकाबले में दो विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर मेरे भाइयों। अगली गेंदबाजी में देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुकाबला बहुत अच्छा मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है और मुकाबले के अंदर देखने वाली बात होगी कि आज 150 तक दक्षिण अफ्रीका पहुंच पाता है या नहीं। 14वें ओवर की पहली गेंद जहां पर इस ओवर की पहली गेंद को खेला एक क्षमा चाहूंगा अगली गेंद जहां पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार गेंद को देखते हैं कि क्या होगा। दो गेंदों में अभी तक दो रन आए हैं और तीसरी गेंद तहियू लेकर जा रही हैं सामना करने के लिए तैयार होंगी। देखते हैं कि तहियू का जो बल्ला है वो इस मुकाबले के अंदर किस तरीके से चलता हुआ नजर आने वाला है। इसी के साथ इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार चले तहियू राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस ओवर की जहां पर इस ओवर की तीसरी गेंद पर फ्लिक कर दिया था एक और रन आता हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन 106 रन दो विकेट के नुकसान के बाद 13.3 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है और इसी के साथ ही स्कोर टीम का हो चुका है 106 रन दो विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। हमारे जितने भी दोस्त और जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस मुकाबले में। अगली गेंद लेकर तैयार चौथी गेंद इस पर की तहियू चले राइट आर्म ओवर द विकेट जा रही हैं सामना कर रही हैं सोनल लुईस जो कि अभी तक 5 गेंदों में 6 रनों की पारी खेल चुकी हैं और इस बार इस पर की चौथी गेंद जो कि इस बार अंदर की तरफ आती गेंद को गुड लेंथ की बॉल एक पैर को आगे बढ़ाया गेंद की लाइन में जाके गेंद को वहीं पर दबा दिया कोई रन लेने का मौका नहीं है। अभी भी टीम का स्कोर 106 रन हो चुका है फिलहाल इस मुकाबले के अंदर। देखा जाए दोस्तों दो विकेट के नुकसान के बाद इस मैच के अंदर आज हमारे साथ रोशन पाल दीपक पाल भाई का स्वागत है गाजीपुर से मोहन भाई नमस्कार धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे भाई। इसी के साथ ही अगली गेंद और पांचवी गेंद को इस बार खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद जो है सीधा फील्डर के हाथों में चली गई है कोई भी रन लेने का मौका नहीं है और अभी भी साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो उनका स्कोर जो है रुका हुआ है 106 रन दो विकेट के नुकसान के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम का स्कोर हो चुका है इस मुकाबले में। मैं अपने सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में। इसी के साथ ही इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार अंतिम गेंद पर इस बार इस गेंद को खेला है गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन और मिल जाएगा और एक और रन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ 107 रन दोस्तों। इसी के साथ ही दो विकेट के नुकसान के बाद 14 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है। हमारे साथ रोशन पाल भाई का स्वागत करते हैं और हमारे साथ सभी दोस्तों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं इस मुकाबले के अंदर दोस्तों। और इसी के साथ ही हम बात करें तो मुकाबला बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो मेरे भाइयों 14 ओवर हो चुके हैं और 14 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हो चुका है फिलहाल बढ़ता हुआ 107 रन अभी तक दो विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। तो 107 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना लिए हैं दो विकेट के नुकसान के बाद 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। सोनल लुईस ने 7 गेंदों में 7 रन बनाए हैं ब्रिट्स ने 40 रनों की पारी खेली है 33 गेंदों में। अब 6 ओवर का खेल बचा हुआ है मेरे भाइयों और 6 ओवर के अंदर अब देखने वाली बात होगी कि मुकाबला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में चले फिलहाल डिवाइन अपना तीसरा ओवर लेकर आई हैं सामना कर रही हैं लुईस। लुईस ने अभी तक 7 गेंदों में दोस्तों सुनील लुईस ने 7 रन बनाए हैं और दक्षिण अफ्रीका वुमेन 107 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। न्यूजीलैंड टीम ने आज बॉलिंग करने का फैसला लिया टॉस जीतने के बाद। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी के साथ जुड़े हैं जो भी दोस्त हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सभी लोगों को बता दूं कि आज के मुकाबले के अंदर दक्षिण अफ्रीका ने 107 रन बना लिए हैं और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की फिलहाल जहां पर पहली गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 108 रन पर दो विकेट है। ये 15वां ओवर चल रहा है ब्रिट्स 40 पर मौजूद है 33 गेंदों में। सोनल लुईस ने 8 गेंदों में अभी तक 8 रनों की पारी खेली है इस मुकाबले में
और डिवाइन ने अपना ये तीसरा ओवर शुरू किया है। डिवाइन आज 19 रन दे चुके हैं, कोई भी विकेट आज इनको मिला नहीं है और सुफी डिवाइन फिलहाल क्या विकेट ले पाएंगे। अगली गेंद उठा दिया इस बार हवा में और गेंद ऊंची जा रही है 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्का इस बार बहुत ही शानदार छक्का, गेंद को स्कोर लेके ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। बाउंड्री को चेक जरूर किया जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी मामला है, चौका मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, बहुत करीबी मामला था, 4 रनों के साथ इसको टीम का 112 रन। डाइव लगाते हुए फील्डर ने प्रयास किया कैच पकड़ने का, हाथ से गेंद छटक गई और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए एक बाउंस के बाद। 14.2 ओवर की समाप्ति, 112 रन स्कोर हो चुका है टीम दक्षिण अफ्रीका का 2 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की फिलहाल, अगली गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, अभी भी स्कोर टीम दक्षिण अफ्रीका का रुका हुआ है 112 रन और 2 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले के अंदर, इस मैच के अंदर। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं इस मुकाबले में। दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो हो चुका है फिलहाल देखा जाए तो 112 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये फिलहाल 15वां ओवर चल रहा है। हमारे सभी दोस्तों को क्या लगता है कि आज के मुकाबले के अंदर कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, किस टीम का पलड़ा भारी नजर आने वाला है, आप लोग हमें जरूर बताते रहें और जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होगा और किस तरीके से मुकाबला आगे चलता हुआ नजर आएगा मेरे भाइयों। फिलहाल इसी के साथ ही इस ओवर की चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, 14.4 ओवर हो चुके हैं, टीम साउथ अफ्रीका का 112 हो चुका है अब 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये 15वां ओवर चल रहा है इस मुकाबले में इसी के साथ ही। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, इसी के साथ ही अंतिम गेंद लेकर तैयार और अंतिम गेंद का अब सामना कर रहे हैं, अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं सनी लुइस। 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रही हैं। साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर हो चुका है 113 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अंतिम गेंद डिवाइन चलेंगी आखिरी गेंद लेकर और अंतिम गेंद का लुइस तैयार है। चलिए फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की, आखिरी गेंद को इस बार शानदार तरीके से बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद को खेल दिया, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है इसी के साथ ही। और इन 2 रनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हो चुका है 115 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। जी हां दोस्तों, 115 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 15 ओवर हो गए हैं, 15 ओवर हो चुके इस मुकाबले के अंदर दोस्तों। इसको टीम का 115 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले में। सुनो लो, इसने 10 रनों की पारी खेली है आज और भाई ब्रिट्स ने आज 37 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली है इस मैच में। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 115 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद। 16वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में जाती हुई सामना कर रही हैं ब्रिट्स, जिन्होंने आज अभी तक 37 गेंदों में 45 रनों की पारी खेलते हुए नजर आ रही हैं और टीम साउथ अफ्रीका 115 रन पर अभी तक देखा जाए इस मुकाबले में 2 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज चले फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, विकेट आता हुआ दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर ही बल्ले का किनारा लगा और ब्रिट्स अपना 50 रन नहीं बना पाए इस मुकाबले में। देखिए बहुत बड़ा झटका लगा है ब्रिट्स के लिए इस मुकाबले में, लगातार अच्छी गेंदबाजी इस बार तहियू के द्वारा देखने को मिल रही, दूसरा विकेट आज के मुकाबले मिला उन्हें, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तहियू, लेकिन इसी के साथ ही बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में आसान सा कैच चला गया और इसी के साथ ही अब ब्रिट्स जिन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी करी, 45 रनों की पारी खेली है उन्होंने आज के मुकाबले में, बढ़िया बैटिंग कर रही थी लेकिन इस बार बहुत बड़ा गलती कर बैठी यार, कहीं ना कहीं बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रही थी और इस बार गेंद जो है उनके बिल्कुल बल्ले के बगल से होती हुई छूती हुई चली गई गेंद सीधी बाउंड्री लाइन वहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में और आसान सा जो कैच है वो दोस्तों यहाँ पर पकड़ लिया है। और आसान सा कैच पकड़ना फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अब नए बल्लेबाजी में ट्रियोन आई गई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लिलिंग ट्रियोन आ गई हैं और देखते हैं कि ट्रियोन आज किस तरीके से बैटिंग करती हैं इस मुकाबले के अंदर। ट्रियोन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि आज के मुकाबले में वो कहीं ना कहीं लगभग 140 से 150 तक टीम को पहुंचाने में कामयाब रहें। 16वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दूसरी गेंद इस ओवर की लेकर तैयार होंगी, सामना कर रहे हैं अगली गेंद का ट्रियोन आ गई है नई बल्लेबाजी करने के लिए। ट्रियोन के लिए इस ओवर की फिलहाल अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट सामना कर रहे हैं, इस ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट आया है लेकिन दूसरी गेंद पर इस बार कोई रन नहीं मिलेगा, इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद पर खेला हुआ शॉट, कोई रन नहीं मिलेगा। टीम दक्षिण अफ्रीका 115 रन 2 विकेट 3 विकेट के नुकसान के बाद। ये 16वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों और 16वें ओवर की अभी तक गेंदबाजी में देखा जाए
115 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अगली गेंद लेकर तैयार सोर की चौथी तीसरी गेंद तय होगी। अगली गेंद सामना कर रही हैं बल्लेबाजी में यहाँ पर ट्रियोन ने अभी तक एक गेंद के अंदर खाता नहीं खोला है। अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर अभी भी टीम का रुका हुआ है इस मुकाबले के अंदर देखा जाए 115 रन और दोस्तों 3 विकेट के नुकसान के बाद ये 16वां ओवर चल रहा है। जी हाँ, तो 16वां ओवर चल रहा है, 15.3 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन इसको टीम का हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार अब गली चली इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर इस ओवर की फिलहाल चौथी गेंद का सामना ट्रियोन कर रही है। टीम का स्कोर दक्षिण अफ्रीका का 115 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले में। 16वें ओवर की अगली गेंद और यहां पर देखते हैं कि इस ओवर की चौथी गेंद पर क्या होने वाला है। इस ओवर की चौथी गेंद और चौथी गेंद पर इस बार इस गेंद को खेल दिया है शानदार तरीके से, पॉइंट के बगल से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, एक और चौका आता हुआ दक्षिण अफ्रीका के वुमेन्स के द्वारा ट्रियोन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका है और दक्षिण अफ्रीका 119 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 16वां ओवर चल रहा है। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 119 रन बना लिए हैं इस मुकाबले में 3 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला और बहुत ही रोमांचक मैच हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस मैच के अंदर। कमाल की बैटिंग और कमाल का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के द्वारा। फिलहाल इसी के साथ ही इसको टीम का हो चुका है 119 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर इस ओवर की अंतिम गेंद सामना कर रही है अगली गेंद का, वहां पर ट्रियोन के ओवर की पांचवी गेंद को सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हुए कोई रन नहीं मिलेगा दक्षिण अफ्रीका वुमेन 119 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अंतिम गेंद यहां पर जा रही है गेंदबाजी तहियू को, 2 विकेट आज मिले हैं 19 रन देकर और ये चौथा ओवर डाल रही है। आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगी, अंतिम गेंद उनकी अच्छी गेंद, ओवर समाप्त, उनका 4 ओवर का खेल उन्होंने पूरा किया, 20 रन दिए 2 विकेट चटकाए और वहीं पर 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 16 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 120 और 3 विकेट के नुकसान के बाद लुइस ने 10 रनों की पारी, ट्रियोन ने 5 रनों की पारी, दोनों के बीच में फिलहाल अब थोड़ी सी साझेदारी पनपती हुई इस मैच के अंदर। 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, 24 गेंदें अभी बची हुई हैं और 24 गेंदों में अगर 40 से 30 रन आ जाते हैं तो 150 का जो मैंने बताया था आपको कि लगभग 140 से 150 रन दक्षिण अफ्रीका आज के मुकाबले में बना सकता है, वही मुझे लग रहा है कि आज के मुकाबले के अंदर दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स की जो टीम है वो इस मुकाबले के अंदर 200 बनाती हुई नजर आने वाली है इस मैच के अंदर। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। 17 ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में अभी तक डिवाइन के 3 ओवर हुए हैं, क्या डिवाइन एक ओवर और डालने वाली हैं या फिर गेंदबाजी में वहां पर बदलाव किया जाएगा और किस तरीके से फिलहाल तेज गेंदबाजों को रोटेट किया जाएगा वुमेन्स न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड वुमेन्स टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला इस मुकाबले में लेने में कामयाब रही। दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक 120 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाजी में। फिलहाल इस ओवर की पहली गेंद, जहां पर इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है, फील्डर पीछे मौजूद, 1 रन से ज्यादा नहीं, 2 रन की पलटने का प्रयास किया लेकिन सोलन लुइस ने मना कर दिया, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हो चुका है। फिलहाल 121 रन इस मुकाबले के अंदर देखा जाए, इस मैच के अंदर देखा जाए 3 विकेट के नुकसान के बाद ये 17वां ओवर चल रहा है। तो 17वां ओवर चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका 121 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं इस मुकाबले में, ये दोस्तों 5वां T20 मुकाबला बिनोली के मैदान दक्षिण अफ्रीका में खेला जा रहा है और इसी के साथ ही फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं। दूसरी गेंद जहां पर सामना कर रही हैं बल्लेबाजी में सुनील लुइस, जिन्होंने आज 10 रनों की पारी खेली है और 9 गेंदों का सामना किया है। अगली गेंद लेकर तैयार तहियू चलेंगी, क्षमा चाहूंगा तहियू ने आज अपना शानदार गेंदबाजी किया है लेकिन फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद पर देखते हैं कि क्या एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक हम बात कर रहे हैं तो आज अच्छी बैटिंग करी है साउथ अफ्रीका ने लेकिन उसके बाद रनों की गति नहीं बढ़ा पाई, रनों की गति लगातार कमजोर होती हुई नजर आई है आज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के द्वारा, जिसके कारण रन जो है ना वो उतने बनाने में कामयाब हो नहीं पाई है टीम और उसी के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ है 121 रन इस मुकाबले के अंदर। देखा जाए इस मैच के अंदर दोस्तों अभी तक 3 विकेट के नुकसान के बाद ये 17वां ओवर चल रहा है मेरे भाई। चलिए दूसरी गेंद इस ओवर की अगली गेंद पर इस बार इसको फ्लिक कर दिया, एक और सिंगल आता हुआ, भाई लाइव दिखा दो, हरी बघेल जी बोल रहे हैं। भाई हरी बघेल जी लाइव तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। 17वां ओवर चल रहा है, 16.2 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है और दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो फिलहाल हो चुका है 123 22 रन
तीन विकेट के नुकसान के बाद इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर इस ओवर की अगली गेंद को खेल दिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल सिंगल के साथ मैच आगे जा रहा है दक्षिण अफ्रीका का 125 रन तीन विकेट के नुकसान के बाद। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था जो प्रेडिक्शन है मेरी वो 155 और 152 की है। मैंने आपको बोला था कि 152 से 155 के करीब रन बन सकते हैं इस मुकाबले के अंदर, वही मुझे लग रहा है कि इतना ही बनेगा, ज़्यादा रन नहीं बनने वाले हैं इस मुकाबले में, ऐसा मुझे लग रहा है। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में चलेंगी फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर विकेट नंबर चौथा गिर चुका है टीम दक्षिण अफ्रीका का। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका का ये चौथा विकेट गिरता हुआ, जहां पर 126 पर अभी एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है इस मुकाबले के अंदर टीम न्यूजीलैंड टीम के लिए, और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी के साथ ही टीम का स्कोर फिलहाल हो चुका है 126 रन चार विकेट के नुकसान के बाद। 18वें ओवर की पहली गेंद पर, 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट आ चुका है। अमेलिया केर तीन ओवर में 17 रन देकर एक विकेट ले चुकी हैं इस मुकाबले में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अमेलिया केर को विकेट मिल गया है। अमेलिया केर, मुझे लग रहा था कि विकेट लेस ना हो जाएं, लेकिन उनको विकेट मिल चुका है। और इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 126 पर चार हो चुका है। 17 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत और मैं अभिनंदन वंदन करता हूं इस मुकाबले में। इसी के साथ ही दोस्तों 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 126 रन चार विकेट के नुकसान के बाद। तीन ओवर का जो खेल है वो अभी दोस्तों बचा हुआ है, और इन तीन ओवर के अंदर अब देखने वाली बात होगी कि मुकाबला किस तरीके से आगे जाता हुआ नजर आएगा मेरे भाइयों। जी हाँ, फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होगा। इसी के साथ ही इस ओवर की अब देखा जाए, फिलहाल अंतिम गेंद पर विकेट आया है, टीम का स्कोर हो चुका है एक बार फिर से 126 रन चार विकेट के नुकसान के बाद। 18वें ओवर की शुरुआत जो कि चल रही है, और 18वें ओवर की पहली गेंद का देखते हैं किस तरीके से सामना होता है। 18वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार चलेंगे गेंदबाजी में, सामना करेंगे सोनलुस ने इस बार इस ओवर की पहली गेंद को खेला, सिंगल चुराया है। सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 127 रन हो चुकी है देखा जाए इस मुकाबले के अंदर चार विकेट के नुकसान के बाद। मेरे भाई, वो पिछला जो विकेट गिरा था वहाँ पर अच्छा कैच पकड़ा गया था, बढ़िया कैच पकड़ा था वहाँ पर, बोल्ड किया था, क्षमा चाहूँगा, बोल्ड कर दिया था ट्रियोन ने। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ ही अगली गेंद पर एक और सिंगल, दो गेंदों में दो रन आ चुके हैं, टीम का स्कोर 128 हो चुका है चार विकेट के नुकसान के बाद। दक्षिण अफ्रीका का ये 18वां ओवर चल रहा है। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट उठाकर खेल दिया इस बार हवा में सोनलुस ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस बार चौका मिल जाएगा सोनलुस के बल्ले से निकलता हुआ, आज के मैच का यह दूसरा चौका है, और दक्षिण अफ्रीका 132 पर फिलहाल चार विकेट गंवा चुकी है। और ये 18वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सब जितने भी भाई जुड़े हैं। फिलहाल 17.3 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन चार विकेट के नुकसान के बाद 18वां ओवर चल रहा है। पेनफोल्ड 2.3 ओवर में 26 रन दे चुके हैं और एक विकेट उन्होंने लिया है। एंडी क्लर्क ने आज एक रन बनाया है एक गेंद के अंदर, कोई छक्का अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद को छक्का लगाने का प्रयास किया, गेंद सीधी दोस्तों यहां पर गई है लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां पर एक रन और मिल जाएगा और एक और रन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 133 हो चुका है फिलहाल इस मैच के अंदर चार विकेट के नुकसान के बाद। 18वां ओवर चल रहा है, 18वां ओवर चल रहा है दक्षिण अफ्रीका वुमेन्स 133 रन फिलहाल चार विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों 18वें ओवर की फिलहाल अभी तक चार गेंदें हो चुकी हैं। देखिए 17.4 ओवर हो चुके हैं, और इसी मैच के अंदर हम बात करें तो रनों की जो गति है, रनों की जो गति वो खास तौर से फिलहाल अभी तक हम बात करें बढ़िया चल रही है। लेकिन अगली गेंद और ये लीजिए पेनफोल्ड को एक और विकेट इस ओवर के अंदर मिली, 5वीं गेंद पर विकेट मिलता हुआ। पिछली 12 गेंदों में दो विकेट गिर चुके हैं पिछली 11 गेंदों के अंदर, तो कहीं ना कहीं देखा जाए रनों का प्रयास करने में बल्लेबाजी में गलती कर रही हैं, गेंद की लाइन को नहीं भाप पाई। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करने का प्रयास, गेंद नीचे रही, पूरी तरह से बीट कर दिया और गेंद गई सीधा गिल्लियों में और विकेट गिरता हुआ टीम दक्षिण अफ्रीका का 133 पर 5वां विकेट बोल्ड के रूप में जा रहा है। पेनफोल्ड दूसरा विकेट ले चुकी है, पेनफोल्ड कमाल की गेंदबाजी कर रही हैं इस मुकाबले में, बहुत बढ़िया बल्ले गेंदबाजी करते जा रही है पेनफोल्ड। इसी के साथ ही सोनलुस अभी भी मौजूद है 14 गेंदों में 18 पर, जफ्ता आई है बल्लेबाजी करने के लिए, जफ्ता आई है बल्लेबाजी करने के लिए, बैटिंग नहीं कर पाती हैं उतना, बॉलिंग के लिए जाने जाती हैं जफ्ता। टीम का स्कोर 133 हो चुका है
पांच विकेट के नुकसान के बाद 17.5 ओवर हो चुके हैं। धनंजय ऑफिशियल भाई का स्वागत है, पूरा विकेट आएगा, बिल्कुल विकेट आ चुका है मेरे भाई। आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब करें। आखिरी गेंद लेकर तैयार, इस ओवर की अंतिम गेंद और अंतिम गेंद पर इस बार इस गेंद को सीधे वाले से खेल दिया है, कोई रन लेने का मौका नहीं है। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर का खेल हो गया है मेरे भाई समाप्त। और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 133 पांच विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल ये 18 ओवर का खेल समाप्त हो गया है। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 133 पर 5 है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों मैं जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इसी के साथ ही 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 133 रन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं पांच विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। सुनील उसने 14 गेंदों में अभी तक 18 रनों की पारी खेली है और अब यहां से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मुकाबले में बहुत ही शानदार और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, शुरू में ही बोला था कि 150 करीब करीब बनाना होगा। अगर आप 150 रन के करीब बना लेते हैं, 150 तक अगर स्कोर पहुँचा देते हैं तो मौका रहेगा आपकी टीम के लिए कि 150 से अगर रन बनते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर माना जा सकता है। फिलहाल इस ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद को खेल दिया है इस बार बेहतरीन तरीके से, गेंद दोस्तों सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ एक और। दक्षिण अफ्रीका 137 रन पांच विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। धनंजय म्यूजिक भाई का स्वागत है, हमारे साथ जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिलहाल ये 19वां ओवर चल रहा है, एक और बढ़िया गेंद थी इस बार एक और अच्छी गेंद पर फिलहाल दोस्तों इस बार इस गेंद को खेला लेकिन कोई भी रन लेने का मौका नहीं है। तो 18.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम दक्षिण अफ्रीका 139 रन पांच विकेट के नुकसान के बाद। इस ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों इस बार फ्लिक कर दिया था, गेंद इस बार जा रही थी फाइनल की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद थे लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए जाएंगे और 2 रनों के साथ ही साउथ अफ्रीका 139 रन पांच विकेट के नुकसान के बाद यह 19वां ओवर चल रहा है। 19वां ओवर चल रहा है, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी और अभिनंदन करता हूं। फिलहाल इसी के साथ इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, चौथी गेंद पर इस बार इस गेंद को कदमों का प्रयोग किया, सीधे बल्ले से एक बार फिर से खेल दिया, इस बार गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए जाएंगे। इन्हीं 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 141 रन फिलहाल दोस्तों इस मैच के अंदर देखा जाए पांच विकेट के नुकसान के बाद। 18.4 ओवर की समाप्ति के बाद चलिए फिलहाल अब देखने वाली बात हो सकती है मेरे भाइयों की, अब ये मुकाबला जो है वो किस तरीके से आगे चलने वाला है। आप लोगों के लिए सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ ही अगली गेंद, पांचवी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो फिलहाल हो चुका है इस मैच के अंदर 142 रन पांच विकेट के नुकसान के बाद। 142 रन टीम ने बना लिए हैं इस मुकाबले के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों, आप सभी लोगों का, जितने भी भाई और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ ही इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार और अंतिम गेंद पर फिलहाल आखिरी गेंद इस ओवर की जो कि 19वां ओवर चल रहा है। मैंने आपको बोला था मेरे भाइयों कि 150 के करीब दक्षिण अफ्रीका टीम बनाने में कामयाब रहेगी, 150 रन ही मुझे लग रहा है कि आज के मुकाबले के अंदर बन सकते हैं, 150 से 152 रन के करीब टीम बनाने में कामयाब हो सकती है। चलिए इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार, फिलहाल इस ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस 20 ओवर का जो खेल है वो फिलहाल अभी तक अभी एक ओवर का खेल बचा हुआ है और एक ओवर के अंदर देखते हैं कि मुकाबला किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक करते रहें। 19 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और 19 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका 143 रन पर फिलहाल इस मुकाबले के अंदर नजर आ रही है इस मैच के अंदर। अगली 6 गेंदें अभी बची हुई है मेरे भाई और 6 गेंदों में अब देखते हैं कि कितना स्कोर टीम बनाने में कामयाब हो पाती है। चलिए तो देखते हैं कि 6 ओवर में अब 6 गेंदों में टीम कितना स्कोर बना पाती है, दक्षिण अफ्रीका की टीम का किस तरीके से जो स्कोर है वो आगे बढ़ता है। फिलहाल अब 20 ओवर की पहली गेंद का
लेकर तैयार होंगी और पहली गेंद का आप सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्लेबाजी में हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसी के साथ अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, एक रन लेने का मौका और एक रन के साथ इसको टीम का हो चुका है बढ़ता हुआ। फिलहाल इस मैच के अंदर 144 रन दोस्तों इस मैच के अंदर देखा जाए 5 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए 150 मैंने बोला था और शायद मेरी प्रेडिक्शन सही जा रही है दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन जो है ना वो सही जाती है। मैंने आपको बोला भी था कि हमारी प्रेडिक्शन ज़्यादातर सही जाती हैं और वही हमें देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाजी में फिर से जाते हुए इस ओवर की अगली गेंद, ऑपरेशन के बहुत बाहर, गेंद वाइट बॉल का असर आता हुआ और वाइट बॉल के साथ इसको टीम का हो चुका है 145 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों इस मुकाबले में फिलहाल इस मैच के अंदर दक्षिण अफ्रीका 145 रन बना चुकी है और 5 विकेट टीम ने गंवाए हैं, अभी 5 गेंदों का आना बाकी है। चलिए मैंने प्रेडिक्शन दे दिया है 152 रन बनेंगे इस मुकाबले में मेरे भाई, मेरी प्रेडिक्शन आ चुकी है 152 रन इस मुकाबले के अंदर बन सकते हैं, 152 रन बन सकते हैं। विकेट की संभावना नहीं है मेरे भाई, विकेट तो नहीं बनेगा, मुझे लगता है विकेट आने की संभावना बहुत कम लग रही है। चलिए फिलहाल अब देखते हैं कि क्या विकेट आ पाएगा, ये देखने वाली बात हो सकती है मेरे भाई। उसी के साथ ही फिलहाल अगली गेंद लेकर तैयार, स्वर की दूसरी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका 146 रन बना लिए हैं दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान के बाद। इस मुकाबले में फिलहाल ये 20वां ओवर चल रहा है मेरे भाई, 20वां ओवर की गेंदबाजी अभी तक चल रही है, अगली 4 गेंदें बची हैं। मैंने 152 रन बोला है, 152 रन टीम बनाएगी। अगली गेंद पर एक और सिंगल, चौथी गेंद पर एक बाउंड्री आ सकती है, मेरी प्रेडिक्शन आ रही है चौथी गेंद पर एक चौका आता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं, हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे भाइयों। आज के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने फिलहाल 147 रन जो है वो बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर, जहां पर मैच बहुत ही रोमांचक तरीके से चल रहा है। इसी के साथ ही मैंने बोला था बाउंड्री आएगी और ये लीजिए इस ओवर की चौथी गेंद पर बाउंड्री आ ही गई, बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन सही और मैंने बोला था 152 रन तक बना लेगी टीम। चलिए 152 रन बना पाती है कि नहीं बना पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 151 बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद। ये 15वां ओवर चल रहा है, हमारी लगातार जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हो रही हैं। जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने आपको बोला था कि इस मैच के अंदर लगभग दक्षिण अफ्रीका 152 से 155 के करीब रन बनाने वाली है और देखिए मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही जा रही है। मैंने बोला था 152 से 155 के बीच में रन बनेंगे, 152 से 155 के बीच में ही रन बने हैं, तो प्रेडिक्शन भी सटीक हमारी जा रही है मेरे भाइयों। हम लगातार आपको सही जानकारी देते हैं, जो भी प्रेडिक्शन हमारी होती हैं आपको पता होगा कि हमारी प्रेडिक्शन अभी तक गलत नहीं गई हैं, पूरी प्रेडिक्शन हमारी सही जा रही हैं। इसी के साथ 151 पे 5 है दक्षिण अफ्रीका अगली गेंद इस ओवर की और अगली गेंद पर अब देखते हैं कि आखिरी गेंद पर क्या होने वाला है। फाइनल गेंद पर ज़्यादा नहीं, सिंगल से ज़्यादा नहीं मिलेगा ऐसा मेरा कहना है, आपका क्या कहना है ज़रूर आप हमें बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार और अंतिम गेंद इस ओवर की, जहां पर अंतिम गेंद पर देखते हैं कि क्या होगा। अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया है और लीजिए 155 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना लिए हैं, हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही सटीक प्रेडिक्शन बैठी है मेरे भाइयों। मैंने बोला था आपको कि 152 से 155 रन इस मुकाबले के अंदर बनते हुए नजर आने वाले हैं और वही यहाँ पर होता हुआ 155 रन बनाए दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में, 155 रन इस मुकाबले के अंदर दोस्तों बना है साउथ अफ्रीका ने, 156 का टारगेट दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले के अंदर दिया है। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का फिलहाल दोस्तों स्वागत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं मेरे भाइयों। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 156 का टारगेट इस मुकाबले के अंदर दोस्तों दिया है और अभी 156 का जो टारगेट है वो अब देखते हैं कि किस तरीके से देखने को मिलता हुआ क्या 156 रन न्यूजीलैंड बना लेगा। देखिए ये मैच जो है ना, ये मैच दोस्तों टक्कर का होने वाला है, ये मुकाबला अब टक्कर का हमें देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है मेरे भाइयों। जी हाँ, एक बढ़िया मैच होगा, हमें इस पर पूरी उम्मीद है मेरे भाइयों और मेरी प्रेडिक्शन सही गई है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 152 से 155 रन बनेंगे और हमारी प्रेडिक्शन कभी गलत जाती नहीं है मेरे भाइयों। मैंने आपको पहले भी बोला था और बार बार भी बोल रहा हूँ कि दक्षिण अफ्रीका 152 से 155 बनाएगी, वही यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे अभी सभी भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा,
इसी तरीके की प्रेडिक्शन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और हमारे साथ हर मैच की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है और हर मैच की कमेंट्री आपको हमारे साथ मिलेगी।
रन हो चुके 155 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, हम आपको लगातार कमेंट्री की आनंद सुनाते रहेंगे। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों रन हो चुके 155 रन। हाँ दोस्तों, 155 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहेंगे। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतने वाली? हाँ दोस्तों, स्कोर हो चुका 155 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री लगातार सुनते रहें। हाँ दोस्तों, हमारे 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, अंकल को थोड़ा काम आ गया, दोस्तों अंकल को थोड़ा काम आ गया इसलिए वो चले गए और मुझको छोड़ गए। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो बॉलर गेंद फेंकने जा रहे, बल्लेबाज ने एक रन आसानी से ले लिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने एक रन आसानी से ले लिया, रन हो चुके 155 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को, हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमारे 23,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके 155 रन। हाँ दोस्तों, ये रन हो चुके 155 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री सुनते रहें। वीडियो को लाइक करना है तो भूलें नहीं, वीडियो को लाइक करते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ, हमारी कमेंट्री अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं। रन हो चुके, हाँ दोस्तों, रन हो चुके 7 रन, रन हो चुके 7 रन, रन हो चुके 7 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, हमारी कमेंट्री का आनंद आप लेते रहें। हाँ दोस्तों, हमारी कमेंट्री का आनंद आप लेते रहें।
दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, रन हो चुके हैं 7 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके हैं 7 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके हैं 7 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें बल्लेबाज ने रन नहीं ले पाया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने रन नहीं ले पाया। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें आप। हाँ दोस्तों, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। रन हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके 7 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 8 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, रन हो चुके हैं 8 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 8 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने, हाँ दोस्तों, रन हो चुके 8 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 8 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहे। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने 1 रन आसानी से ले लिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने 1 रन आसानी से ले लिया। रन हो चुके 9 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने रन नहीं ले पाया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने इस बार रन नहीं ले पाया। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हम आपको लगातार कमेंट्री सुनाते रहेंगे। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने रन नहीं ले पाया। रन उच के 9 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। हम आपको कमेंट्री के आनंद, दोस्तों, कमेंट्री का आनंद सुनाते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन उसके 9 रन बिना विकेट के नुकसान की बात। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। बॉलर गेंद फेंकने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, बॉलर गेंद फेंकने जा रहा है बल्लेबाज ने। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज की बात करते हैं तो बल्लेबाज रन नहीं ले पाया। बल्लेबाज ने 1 चौका मारा। बल्लेबाज ने 1 रन लिया, फिर दूसरी बार में 1 रन नहीं लिया, फिर नहीं ले पाया रन। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके 9 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने 2 रन आसानी से ले लिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने 2 रन आसानी से ले लिया। रन हो चुके 11 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 11 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 11 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री का आनंद आप
सब लोगों लेते रहे, हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो भूले नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने उठा दिया बल्ला, चौका गया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने उठा दिया बल्ला, चौका गया। रन उच के 15 रन। हाँ दोस्तों, रन उच के 15 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी कमेंट्री सुनते रहे, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहे। रन उच के 15 रन बिना विकेट के नुकसान की बात। तो हाँ दोस्तों, बिना विकेट के नुकसान की बात। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री सुनते रहे। हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना तो भूले नहीं, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को लाइक करना तो भूले नहीं दोस्तों, दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो भूले नहीं, वीडियो को लाइक करते रहें। हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद आप लगातार लेते रहें। हाँ दोस्तों, रन बल्लेबाजी ने एक रन आसानी से ले लिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी ने एक रन आसानी से ले लिया। रन हो चुके 16 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 16 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके 16 रन, रन हो चुके 16 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हम आपको लगातार कमेंट्री का आनंद देते रहेंगे। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने, दोस्तों बल्लेबाज ने एक चौका फिर मार दिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने एक चौका फिर मार दिया, बल्लेबाज ने एक चौका फिर मार दिया। रन हो चुके 20 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 20 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें, और वीडियो को लाइक करते रहें। हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते रहे। रन हो चुके 20 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 20 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। रन हो चुके 20 रन बिना विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, तो हमारी साथ जुड़ रहे हैं और हमारी कमेंट्री सुनते रहे। हाँ दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, हमारी कमेंट्री सुनते रहे। रन हो चुके 20 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 20 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री सुनते रहे। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री सुनते रहे। रन हो चुके 20 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 20 रन बिना विकेट, एक विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री सुनते रहे। हाँ दोस्तों, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहे, हमारी कमेंट्री अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करना तो भूले नहीं, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। हाँ दोस्तों, हम आपको लगातार बड़ी मेहनत से कमेंट्री सुनाते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ दोस्तों, फिर से बल्लेबाज ने रन नहीं ले पाया। दोस्तों, फिर से बल्लेबाज ने रन नहीं ले पाया। तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री सुनते रहे। हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते रहे। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री का आनंद
लेते रहें। हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी कमेंट्री सुनते रहे, बल्लेबाज हैं। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने एक रन एक चौका फिर दे दिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने एक चौका फिर मार दिया, रन हो चुके हैं 24 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 24 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके 24 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। दोस्तों, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें, हमारे दोस्तों हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहे। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 24 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 24 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों, ये गेंद बल्लेबाज ने नहीं खेल पाई। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने ये गेंद नहीं मार पाई। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी कमेंट्री सुनते रहे। बल्लेबाज ने एक रन आसानी से ले लिया। रन हो चुके 25 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी कमेंट्री सुनते रहे, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहे। रन हो चुके 25 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनुराग यादव, मैं यूपी से बोल रहा हूँ कमेंट्री। हाँ दोस्तों, तो हमारी कमेंट्री सुनते रहें, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें। रन हो चुके 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी कमेंट्री सुनते रहे। बल्लेबाज ने एक चौका फिर मार दिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज तो चौका पे चौका उठा रहे हैं। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज तो चौका पे चौका उठा रहे हैं। रन हो चुके 29 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 29 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। तो हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कमेंट्री सुनते रहें और हमारी कमेंट्री का आनंद लगातार लेते रहें। हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना तो भूले नहीं, वीडियो को लाइक करते रहें। रन हो चुके 29 रन। हाँ दोस्तों, रन हो चुके 29 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने एक रन आसानी से ले लिया। हाँ दोस्तों, बल्लेबाज ने रन हो चुके 30 रन बिना एक विकेट के नुकसान के बाद। और हमारी कमेंट्री का आनंद लेते रहें। हाँ दोस्तों, 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद 231 पर 32 रन इसको टीम का हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया था यार, एक काम था। फिलहाल इसी के साथ ही दोस्तों, अगली गेंद 5वीं गेंद पर उठा दिया है इस बार, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई दोस्तों। जी हाँ, इस ओवर की 5वीं गेंद पर चौका आ चुका है। न्यूजीलैंड वुमेन फिलहाल
36 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। कमाल की शुरुआत हुई है इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम की, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जानती है इस मुकाबले के अंदर उनकी जो शुरुआत है बहुत ही शानदार हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद जहां पर अंतिम गेंद, 5 गेंदें हो चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका फिलहाल इस ओवर के अंदर 7 रन जो है खर्च कर चुकी है और न्यूजीलैंड वुमेन्स 36 विदाउट लॉस। कॉमेंट्री करने का मन नहीं है तो नहीं भाई, मैं थोड़ा सा काम आ गया था भाई, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा जाना पड़ा था। इसी के साथ ही लाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों, तो डेफिनेटली कुछ काम आने के कारण दोस्तों यहाँ पर फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा मैं नहीं था। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति, 37 रन बना ली है टीम न्यूजीलैंड वुमेन ने आज के इस मुकाबले में। और इसी के साथ ही फिलहाल हम बात करें इस मैच के अंदर, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन पर स्कोर टीम का हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर। जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिलहाल मुकाबले में 156 का टारगेट दिया गया है, इस मैच को जीतने के लिए 156 रन बनाने हैं न्यूजीलैंड वुमेन्स के लिए, जहां पर 36 गेंदों में अभी तक देखा 35 गेंदों के अंदर 37 रन बना दिए गए हैं और बैटिंग पावर प्ले चल रहा है इस मुकाबले में। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुकाबले में। दक्षिण अफ्रीका वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड वुमेन्स डेफिनेटली आज के मुकाबले के अंदर जो है फिलहाल एक अच्छी शुरुआत कर चुकी है इस मैच के अंदर। इसी के साथ ही अब छठवें ओवर की शुरुआत हो गई। पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में चलिए, इस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार खाका की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी इस बार, इस गेंद को खेला लेकिन इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर इसी के साथ ही हो चुका है न्यूजीलैंड का 37 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ये छठवां ओवर चल रहा है और छठवें ओवर की गेंदबाजी की अगर बात करें तो अभी तक फिलहाल देखा जाए अच्छी शुरुआत न्यूजीलैंड की हुई और आज देखते हैं कि यहाँ पर एक विकेट की ज़रूरत है। अगर आप विकेट ले लेते हैं, कहीं विकेट यहाँ पर मिल जाते हैं तो शायद न्यूजीलैंड की टीम के लिए यहाँ पर एक बढ़िया मौका जरूर रहने वाला है इस मैच के अंदर एक वापसी करने के लिए। समझाऊंगा साउथ अफ्रीका टीम के लिए वापसी करने का मौका रहेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हमें नज़र आ नहीं रहा है विकेट्स। फिलहाल देखते हैं विकेट आएगा कि नहीं। चैनल को लाइक करते रहिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बढ़िया मुकाबला होगा, उम्मीद करते हैं एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही इस ओवर की अगली गेंद जहां पर गेंद को खेल दिया है सीधे बल्ले से, डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी जानती है दक्षिण अफ्रीका टीम के विकेट लेने होंगे और अगर विकेट नहीं लेते हैं तो मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, विकेट चटकाना बहुत ज़रूरी है। और इस मुकाबले के अंदर आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया था जिससे थोड़ा सा मुझे भी काम आ गया था जिससे मैं थोड़ा सा नहीं आ पाया था, लेकिन आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। अगली गेंद तीसरी गेंद पर सिंगल, सिंगल के साथ इसको न्यूजीलैंड वुमेन का 38 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। ये छठवां ओवर चल रहा है, छठवां ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर 38 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार, अब गेंदबाज चले फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हैं, सामना करेंगे इस ओवर की पांचवीं गेंद का। टीम का स्कोर 38 रन हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। पांचवीं गेंद लेकर तैयार इस ओवर की, पांचवीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका अभी भी इस मुकाबले के अंदर देखा जाए तो एक विकेट की तलाश कर रही है, क्योंकि अगर आप एक दो विकेट जल्दी यहां पर ले लेते हैं तो शायद मुकाबला एक बेहतरीन और एक रोमांचक होता हुआ नजर आने वाला है। आखिरी गेंद लेकर तैयार, खाका चलेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद, सामना कर रहे हैं बेट्स जो कि 17 गेंदों में है 15 पर, इस बार इस गेंद को कट कर दिया, एक और सिंगल आता हुआ, न्यूजीलैंड वुमेन 39 रन फॉर 1 विकेट एंड 6 ओवर्स गॉन। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड वुमेन का स्कोर हो चुका है 39 रन एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों, इस मुकाबले के अंदर जहां पर ये 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है न्यूजीलैंड वुमेन 39 पर 6 विकेट के नुकसान के बाद, एक विकेट के नुकसान के बाद 39 रन, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ये बहुत ही शानदार मुकाबला और बेहतरीन मुकाबला चल रहा है न्यूजीलैंड वुमेन बनाम, या दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। और जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े, मैं आपको बता दूं कि आज के मुकाबले में थोड़ा सा मुझे काम आ गया था टेक्निकली, तो वहाँ पर मैं चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वापसी हम आ चुके हैं आपके साथ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर है वो दक्षिण अफ्रीका का फिलहाल हो चुका है 40 रन एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों। इस मुकाबले के अंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन विकेट चटकाने की ज़रूरत है। एक विकेट अगर दक्षिण अफ्रीका को मिल जाता है, न्यूजीलैंड आज यहाँ पर गवा देती है तो शायद मौका रहेगा। इसी के साथ अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की, फिलहाल दूसरी गेंद जहाँ पर गेंद को खेल दिया,
इस बार इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर अभी भी 40 हो चुका है। एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले के अंदर 40 रन टीम ने बना लिए हैं इस मैच के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिलहाल इस मैच में हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो मैच चल रहा है वो T20 मुकाबला है और 5वां T20 मुकाबला है न्यूजीलैंड बनाम जी हाँ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बीच में। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रनों की गति किस तरीके से आगे जाती है इस मुकाबले के अंदर, रन गति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये तो सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस मुकाबले में। अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। पांचवी गेंद लेकर तैयार चलेंगे ट्रियोन की अगली गेंद पर। इस बार इस गेंद को खेल दिया है बल्लेबाजी में सूजी बैट्स ने, एक और सिंगल चुराया। देखिए सूजी बैट्स एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और एक बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत आज कर चुकी हैं और अब यहाँ पर और भी अच्छी शुरुआत करने का प्रयास जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं इस मुकाबले में। और देखते हैं कि सूजी बैट्स आज अपने गेंदबाजी से जो करना आज उतना खास नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी से आज किस तरीके से उनका जो जलवा है वो हमें देखने को मिलेगा। मेरे भाइयों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ अगली गेंद पर एक सिंगल आएगा। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर का जो खेल है वो दोस्तों समाप्त हो चुका है और 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की जो टीम है फिलहाल इस मुकाबले के अंदर नजर आ रही है। और न्यूजीलैंड की टीम अभी तक फिलहाल देखा जाए 7 ओवर में इस मुकाबले के अंदर 1 विकेट गंवाया है, 43 रन टीम ने बनाए हैं। अमेलिया केर और सूजी बैट्स दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी यहाँ पर दोस्तों हमें नज़र आ रही हैं इस मुकाबले में। हमारे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सूजी बैट्स इस मुकाबले के अंदर अपना जलवा दिखाती नजर आ रही हैं। वहीं पर इस मुका समा वहाँ पर देखा जाए तो सहयोगी बल्लेबाजी के साथ अमेलिया केर भी उनका साथ दे रही हैं, और अमेलिया केर ने आज के मुकाबले के अंदर अपना शानदार प्रदर्शन करने का प्रयास करती हुई। और मुकाबला मुझे लग रहा है कि यार ये मैच जो है वो शायद साउथ अफ्रीका की टीम के हाथ से खिसक रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी कहूँगा कि आज का जो मुकाबला है वो जीतेगी साउथ अफ्रीका। मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और दक्षिण अफ्रीका की टीम आज मुकाबला जीतेगी ऐसा लग रहा है। इसी के साथ अगली गेंद, और इस बार अगली गेंद को ड्राइव किया, गेंद इस बार जा रही है इस बार मिड ऑन की तरफ, एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। और इसी 1 रनों के साथ ही स्कोर हो चुका है टीम का 44 एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 8वां ओवर चल रहा है, 8वां ओवर चल रहा है इस मुकाबले में। टीम का स्कोर हो चुका है 44 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों इस मुकाबले में हमारे जितने भी दोस्त जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर आज का ये T20 मैच 5वां T20 मुकाबला खेला जा रहा है। अमेलिया केर 12 गेंदों में 14 पर हैं, और वहीं पर उनकी सहयोगी बल्लेबाजी में सूजी बैट्स भी बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं आज के मुकाबले के अंदर, जिन्होंने इस मैच के अंदर अभी तक बढ़िया बैटिंग करने का प्रयास किया है। अगली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, और सिंगल सिंगल के साथ अगर हम बात करें तो मुकाबला फिलहाल आगे चल रहा है। न्यूजीलैंड का स्कोर 45 हो चुका है 2-1 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार चलेंगे। सिकांगो सिकाउने की अगली गेंद का सामना कर रही है अमेलिया केर। अमेलिया केर ने 13 गेंदों में अभी तक 14 रनों की पारी खेली है। टीम का स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड वुमेन्स का 45 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों ये 8वां ओवर चल रहा है, और 8वें ओवर की शुरुआत अब यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों फिलहाल 3 गेंदें हो चुकी हैं, और 3 गेंदों में टीम ने अभी तक दोस्तों इस मुकाबले के अंदर देखा जाए तो इस ओवर में फिलहाल 1 और 2 मतलब कि 2 रन इस ओवर के अंदर आए हैं 3 गेंदों में। अगली गेंद, इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार चलेंगे। फिलहाल इस ओवर की 5वीं गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट सामना कर रही है सूजी बैट्स। सूजी बैट्स ने आज 22 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर दिखाई है, कमाल की बैटिंग कर रही हैं। 2 चौके लगा चुके हैं इस मुकाबले के अंदर अभी तक उनके बल्ले से, 2 चौके लगा चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, और देखते हैं कि आप यहां से किस तरीके से जो मैच है वो आगे चलेगा। अगली गेंद, 5वीं गेंद लेकर तैयार चलेंगे। सिकोंगे की अगली गेंद का सामना कर रही है इस ओवर की 5वीं गेंद सूजी बैट्स, जो की 22 गेंदों में 19 पर है। क्या इस बार एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे, देखने वाली बातों की जी नहीं। 5वीं गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, और सिंगल के साथ ही स्कोर टीम का रुका हुआ है 47 रन इस मैच के अंदर। दोस्तों 1 विकेट के नुकसान के बाद 47-1 स्कोर हो चुका है टीम का। फिलहाल 8वां ओवर चल रहा है, जी 8वां ओवर चल रहा है। टीम का स्कोर इसी के साथ ही धीरे धीरे बढ़ता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में 8वां ओवर चलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट चलेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार इस ओवर की फिलहाल अगली गेंद, जहां पर इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ। 7.5 ओवर हो चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे भाई मेरे भाइयों।
देखिए रनों की गति की बात करें तो रन गति अच्छी बढ़ रही है न्यूजीलैंड की, लेकिन विकेट की तलाश है, अभी भी विकेट मिला नहीं है। अगली गेंद इस बार फ्रेश गेंद को कट कर दिया और गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है। आसानी के साथ एक रन पूरा किया जाएगा और एक रनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड का स्कोर 48 हो चुका है। एक विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है मेरे भाई, 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 8 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड वुमेन ने 48 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद, जहां पर फिलहाल 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आज थोड़ा सा यार मुझे 3-4 ओवर में कमेंट्री नहीं कर पाया क्योंकि यार मुझे काम आ गया था, इसलिए यार बच्चे कमेंट्री करने शुरू कर चुके थे लेकिन मैं आ गया था जल्दी से, मैंने कि भाई मुझे जल्दी पहुंचना होगा यार। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन टीम ने बना ली है एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर। 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 9वें ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार अमेलिया कैर, जिन्होंने आज 15 गेंदों में अमेलिया कैर ने 16 रनों की पारी खेली है। दो चौके लगाए हैं, छक्का अभी तक नहीं लगाया है, दो चौके अमेलिया कैर ने जो है लगाए हैं और न्यूजीलैंड वुमेन का स्कोर 48 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। 9वें ओवर की फिलहाल अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेल दिया है एक और सिंगल के लिए, सिंगल के साथ ही इसको न्यूजीलैंड वुमेन का हो चुका है 49 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों ये 9वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों, हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, चलेंगे अगली गेंद को। इस बार सूजी बैट्स की अच्छी गेंद थी, इस बार इस गेंद को खेला एक और सिंगल के लिए और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 50 रन इस मुकाबले में एक विकेट के नुकसान के बाद। 8.2 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है, तो 8.2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 50 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुकाबला टक्कर का होगा, मुकाबला बेहतरीन होने वाला है। अगली गेंद फिलहाल इस ओवर की तीसरी गेंद, फ्लाइट डिलीवरी थी ट्रियोन की गेंद को, इस बार गेंद को खेल दिया और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस ओवर की तीसरी गेंद फ्लाइट डिलीवरी थी, अंदर की तरफ आई, कदमों का प्रयोग किया, एमिलिया कैर ने चौका जड़ दिया, तीसरा चौका उनकी पारी का निकलता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, कमाल की बैटिंग कर रही हैं अमेलिया कैर और सूजी बैट्स ने अभी तक साझेदारी को आगे लेकर जा रही हैं और दोनों ही बढ़िया बैटिंग करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही चौथी गेंद पर एक और सिंगल, ओवर की दो गेंदें इस ओवर में बची हैं, अभी तक 7 रन इस ओवर में आ चुके हैं 4 गेंदों में। अच्छी शुरुआत हुई है इस मुकाबले के अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है और अच्छी शुरुआत की यहाँ पर जरूरत भी थी न्यूजीलैंड टीम के लिए। 55-1 है न्यूजीलैंड, 8.4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अली शेर भाई का स्वागत है, अली शेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े के लिए, और भी भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आखिरी गेंद लेकर तैयार लेसिंग ट्रियोन जा रहे हैं, ट्रियोन जिन्होंने इस मुकाबले के अंदर 12 रन अभी तक खर्च किए हैं और उनको कोई विकेट नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि क्या विकेट मिलेगा। आखिरी गेंद लेकर तैयार ट्रियोन चली, सामना करने के लिए तैयार हैं अमेलिया कैर। अमेलिया कैर ने 18 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली है, टीम का स्कोर 56 हो चुका है। अगली गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ ही स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड का 57 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ये फिलहाल 9 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ फिलहाल 57 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, टीम न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था आज के मुकाबले के अंदर, बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने आज बॉलिंग करते हुए इस मुकाबले के अंदर फिलहाल 155 पर दक्षिण अफ्रीका को रोका और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 155 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान के बाद। 20 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो गया है इस मुकाबले में, न्यूजीलैंड 57-1 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और दोस्तों एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आज के इस मुकाबले के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है, वहीं पर आज वर्ल्ड कप का भी एक बड़ा मैच चल रहा है और वर्ल्ड कप के मुकाबले के अंदर भी दोस्तों रोमांचकता मैच में बनी हुई है, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने लगातार स्पिनर्स ने कमाल कर दिया है और इंग्लैंड बहुत जल्दी जल्दी विकेट गंवा रही है। 9.1 ओवर की समाप्ति के बाद 57 पर एक है इसको टीम का। ये 17वां ओवर मेरे भाइयों चल रहा है, 17वां ओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की फिलहाल दूसरी गेंद, एंडी क्लर्क चले हैं, अगली गेंद का अमेलिया कैर सामना कर रही हैं। अमेलिया कैर जिन्होंने आज 23 रनों की पारी 20 गेंदों में बनाई है और इस ओवर की अगली गेंद पर सिंगल के साथ ही इसको टीम का न्यूजीलैंड वुमेन का हो गया है बढ़ता हुआ इस मैच के अंदर देखा जाए 58 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। न्यूजीलैंड टीम इस मैच के अंदर देखा जाए तो फिलहाल 58 रन बना चुकी है इस मुकाबले में और अभी तक 10वां ओवर चल रहा है। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं मैं आप सभी को बता दूं कि टीम न्यूजीलैंड का स्कोर 58 है
एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार, फिलहाल दसवें ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद एंडी क्लर्क चलेंगे। एंडी क्लर्क ने आज के मुकाबले में, एंडी क्लर्क ने अभी तक फिलहाल देखा जाए तो 9 रन खर्च करते हुए 1.2 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। लगा दी गई है एंडी क्लर्क के द्वारा, लंबी ऊंची कद की खिलाड़ी है, तेज गेंदबाजी करती है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को खेला लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं है और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 58, एक विकेट के नुकसान के बाद। दक्षिण अफ्रीका की टीम जानती है कि विकेट को चटकाना है। अभी तक हम बात करें तो रिक्वायर्ड भी 9.5 के करीब जा रहा है, ये न्यूजीलैंड टीम के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। अभी भी देखा जाए तो 298 रन और बनाने हैं न्यूजीलैंड को, 63 गेंदों के अंदर 98 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम जानती है कि इस मुकाबले में विकेट को बचा के चलेंगे तो मैच में कुछ भी कर सकते हैं, मुकाबले को जीत भी सकते हैं, मुकाबले को अपने नाम भी कर सकते हैं। चले फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अपने नाम मुकाबला कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताने वाला है दोस्तों। इसी के साथ ही फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर चौथी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ ही न्यूजीलैंड वुमेन 59 for 1 एंड 9.4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 9.5 ओवर की, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल 59 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। इस मुकाबले में हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को, मुझे लग रहा है कि देखते क्या यहाँ पर आगे, लेकिन हमारे कमलेश भाई बोल रहे हैं कि विकेट लो। देखिए मैं आज दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं, हमारा सपोर्ट आज साउथ अफ्रीका टीम को रहेगा मेरे भाइयों, और आज हम साउथ अफ्रीका वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर एंडी क्लर्क चलेंगे, अंतिम गेंद लेकर तैयार, उनका ये आखिरी गेंद होगा, ये दूसरा ओवर उन्होंने डाला है। एंडी क्लर्क एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और राइट आर्म मीडियम फास्टर हैं। अभी तक हम बात करें 120 से 125 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रही हैं, ज़्यादा गति से गेंदबाजी नहीं कर रही हैं, और इसी के साथ ही आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगी। अंतिम गेंद जहां पर सामना कर रही हैं बल्लेबाजी में सूजी बैट्स, 27 गेंदों में अभी तक इन्होंने 23 रनों की पारी खेली है इस मैच में। अगली गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद, और इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद थी सीधे वाले से, इस बार इस गेंद को खेल दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। चौका मिलेगा न्यूजीलैंड टीम का, एक और चौका आता हुआ, 3 चौके अमेलिया कैर लगाए, 3 चौके बैट्स ने लगाए, 10 ओवर का खेल समाप्त 64 पर न्यूजीलैंड वुमेन एक विकेट के नुकसान के बाद। 60 गेंदें बची हुई हैं और 60 गेंदों में अब 92 रन चाहिए बनाने के लिए साउथ अफ्रीका को, मैच जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है। वरीसा खान भी स्वागत है, वरीसा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच न्यूजीलैंड के पक्ष में जा रहा है, लेकिन मुकाबले के अंदर मैं आज सपोर्ट दक्षिण अफ्रीका को कर रहा हूं भैया, आज मैं सपोर्ट दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों कर रहा हूं जी, आज मेरा सपोर्ट जो है दोस्तों वो साउथ अफ्रीका टीम को है, और आज हमने जो है सपोर्ट दक्षिण अफ्रीका को किया है। फिलहाल 10 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन टीम ने बनाए हैं। हरकेश कुमार भाई का स्वागत है हमारे साथ, बरीस खान जी का स्वागत है, और फिलहाल चलिए देखते हैं कि क्या होगा आने वाली 60 गेंदों में। देखा जाए तो अभी भी बात करें 92 रन चाहिए और 92 रन बनाना है 60 गेंदों में, क्या होता है दोस्तों ये तो आने वाला समय बताने वाला है। ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से अब बाहर जा रही है, और अब ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर जाएगी तो देखते हैं कि ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर जाने के साथ ही अब यहाँ पर क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है। जी अभी तक हम बात कर रहे हैं 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टीम का स्कोर हो चुका है 64 रन एक विकेट के नुकसान के बाद, ये 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है इस मुकाबले के अंदर। चलिए अब 60 गेंदें बची हैं भैया, 60 भैया बॉलें बची हैं, 60 बॉलें बची हुई हैं, और 60 गेंदों में अगर हम बात करें तो 292 रन और बनाने हैं न्यूजीलैंड वुमेन को ये मैच जीतने के लिए। तो अब यहाँ से ड्रिंक्स की ट्रॉली भी मैदान से बाहर जा रही है और मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। हमारे सभी दोस्तों को बता दूं मुकाबले की शुरुआत फिर से होती हुई नजर आ रही है इस मैच के अंदर। चलिए फिलहाल अब देखते हैं कि क्या रणनीति के साथ यहाँ पर मुकाबला चलेगा। आप सभी लोगों के साथ मैं कमेंटेटर मोहन यादव स्वागत करता हूँ। आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में खेला जा रहा है ये दोस्तों, फिलहाल 5वां T20 मुकाबला है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं एक और लीग आ रही है, वुमेन बिग बैश लीग आ रही है। वुमेन बिग बैश लीग में हम आपके सभी भाइयों के साथ जुड़े रहेंगे, वुमेन बिग बैश में भी आपको हमारे साथ कमेंट्री का आनंद मिलने वाला है।
तो वुमेन बिग बैस का भी आनंद आप हमारे साथ दोस्तों लेते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ ही 10 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 64 रन फिलहाल एक विकेट के नुकसान के बाद। हरिकेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ ही 11 ओवर की शुरुआत हो चुकी है और 11 ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल आता हुआ, नहीं मना कर दिया, सिंगल नहीं आएगा। स्कोर अभी भी टीम का 64 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। बहुत बहुत स्वागत है, मैं कमेंटेटर मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, जहां पर दूसरी गेंद को खेला, इस बार गेंद जा रही है कवर की तरफ, कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड वुमेन ने 64 रन से 65 रन बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 11वां ओवर चल रहा है और अब 91 रनों की जरूरत है 58 गेंदों में 91 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। चले इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं इस मुकाबले के अंदर। ये 11वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों और इसी के साथ ही इस पर अगली गेंद लेकर तैयार 11वें ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाजी में अमेलिया कैर। 3 गेंदों में 2 रन आ चुके इस ओवर के अंदर, 24 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रही है अमेलिया कैर। सामना करेंगी चौथी गेंद का, टीम का स्कोर 66 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। और अगली गेंद लेकर तैयार सो की अगली गेंद, जहां पर अंतिम 5वीं गेंद को लेकर तैयार होंगी गेंदबाजी में साथ ही सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। फिलहाल अगली गेंद अमेलिया कैर ने इस बार इस गेंद को खेल दिया। शिवम यादव जी का स्वागत है, हेलो फ्रेंड, स्वागत है शिवम जी आपका, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे भाई। आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी कमेंट्री का जो है आनंद ले रहे हैं, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करते रहेगा मेरे भाई और वीडियो को लाइक करते रहें। 11वां ओवर चल रहा है और 11वें ओवर में अभी तक देखा जाए तो इसको टीम का 67 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। ये अंतिम गेंद लेकर तैयार, 5 गेंदों में 3 रन इस ओवर में आए हैं। बहुत बढ़िया ओवर रहा है मलावा का। देखिए मलावा की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, विकेट आज नहीं मिला है, 18 रन दे चुकी हैं और अभी भी हम बात करें तो विकेट ले सकती हैं। संतोष गुप्ता भाई का स्वागत करते हैं, संतोष गुप्ता लाइव है क्या? बिल्कुल भाई लाइव मैच चल रहा है ये न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में, ये 5वां T20 मुकाबला लाइव मैच की कमेंट्री आप हमारे साथ सुन रहे हैं। चलिए फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार हैं, अंतिम गेंद, अंतिम गेंद पर इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, गेंद गई मिडॉन की तरफ, एक और रन मिल जाएगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इसी के साथ ही स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड का 68 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 11 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 68 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 12वें ओवर की अब पहली गेंद, 9 ओवर का खेल अभी बचा है मेरे भाइयों। आप लोग यार 9 ओवर के खेल में अब देखने वाली बात होगी क्या मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में जाता हुआ नजर आने वाला है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की टीम निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आज के मुकाबले के अंदर इस मैच में जीत सकती है। मैं तो भाई आज सपोर्ट कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए, लेकिन कुछ कहना आसान नहीं है कि क्या होगा और किस तरीके से मुकाबला आगे चलता हुआ नजर आने वाला है। 11वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 12वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाजी में दोस्तों यहाँ पर बैट्स, 31 गेंदों में बैट्स ने अभी तक दोस्तों 29 रनों की पारी खेली है इस मैच के अंदर और सूजी बैट्स इस मुकाबले के अंदर देखा जाए तो अभी तक अपना जलवा करते हुए नजर आ रही है। इस ओवर की पहली गेंद उठाकर खेला था, गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही हवा में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं है, गुड इवनिंग है। अखिलेश कुमार भाई का स्वागत, अखिलेश कुमार गुड कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, नाला सोपारा ईस्ट मुंबई से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल अब 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन इसको टीम का हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद उस मुकाबले में। आज थोड़ा सा मुझे काम आ गया था इसलिए यार मैंने कमेंट्री थोड़ा सा नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद हम आपके साथ जुड़े हैं। 12वां ओवर चल रहा है, 11.2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर हो चुका है 70 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार फिलहाल खलासा केशवर की तीसरी गेंद सामना कर रही है सूजी बैट्स, सूजी बैट्स ने 32 गेंदों में अभी तक 30 रन की पारी खेली है और न्यूजीलैंड वुमेन फिलहाल 70 रन पर एक विकेट गंवा चुका है। कमलेश यशपाल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार होंगी और इस पर की फिलहाल तीसरी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ ही स्कोर न्यूजीलैंड का हो चुका है 71 रन दोस्तों इस मैच के अंदर देखा जाए। फिलहाल एक विकेट के नुकसान के बाद 71-1 न्यूजीलैंड वुमेन, 11.3 ओवर का खेल हो चुका है।
ये 12वां ओवर चल रहा है मेरे भाई, और मुकाबले के अंदर जो मज़ा आ रहा है ना, मुझे उम्मीद है कि भैया मैच टक्कर का होगा। मुकाबले में मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका को, आज मैं दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरा सपोर्ट है आज साउथ अफ्रीका के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार सबर की फिलहाल चौथी गेंद, जहाँ पर देखते कि क्या होगा मेरे भाई। अभी तक मुकाबला फिलहाल 71 रन पर न्यूजीलैंड ने बनाए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 12वां ओवर चल रहा है। अमेलिया के 26 गेंदों में 28 पर मौजूद है। सूजी बैट्स ने 33 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली है। फिलहाल फील्डर इंजर्ड हो चुकी हैं, वहां पर शायद कुछ चोटें लगी है अमेलिया कैर के लिए सबर की, जो कि तीसरी गेंद पर गेंद बल्ले से टकरा कर उनके शरीर में लग गई थी और एक सिंगल जरूर मिला था, लेकिन चोटें हो गई हैं अमेलिया कैर। और अमेलिया कैर 26 गेंदों में 28 पर मौजूद थी, अभी भी नजर आ रही हैं, लेकिन क्या जाना चोट लगी है ये देखने वाली बात हो सकती है मेरे भाइयों। या ज़्यादा चोट तो नहीं है ये देखने वाली बात होगी अमेलिया कैर के लिए कि गंभीर चोट तो नहीं है इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि अमेलिया कैर अभी अच्छा बल्लेबाजी कर रही हैं। और अगर यहाँ से कोई भी खिलाड़ी अगर रिटायर हट होता है या किसी भी तरीके से खिलाड़ी आउट होता है या तो जाता है बाहर, तो थोड़ा सा टीम परेशानी में रहेगी यार न्यूजीलैंड टीम, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के लिए जानी जाती है कि अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट 10.5 रन से ऊपर हो चुका है और आपको 10 रन प्रति ओवर से रन बनाना है इस मुकाबले के अंदर न्यूजीलैंड के लिए, तो ये रन बनाना आसान नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मुकाबला साउथ अफ्रीका ही जीतेगा, मुझे जितना विश्वास साउथ अफ्रीका टीम पर लग रहा है साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत सकता है। इसी के साथ ही चौथी गेंद लेकर तैयार हैं खलासा की अगली गेंद का सामना कर रहे हैं अमेलिया कैर। अमेलिया कैर 26 गेंदों में 28 पर मौजूद हैं। टीम का स्कोर 71 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। 11.3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस मुकाबले में। अगली गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार, अब चलिए मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और सबर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं अमेलिया कैर। 28 पर खेल रही हैं, 28 पर खेल रहे हैं दोस्तों इस मुकाबले में, 28 पर खेल रही हैं। और अब देखते हैं कि ईश्वर की चौथी गेंद पर क्या एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। गंभीर चोट लग रही है मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देरी से मैच विलंब होता हुआ वहाँ पर फिजियो नजर आ रही है, और देखते हैं कि फिजियो क्या यहाँ पर डिसीजन देते हैं, क्या डिसीजन यहाँ पर आते हुए, क्योंकि अंपायर ने डिसीजन जो है फिलहाल अभी तक देखा जाए 71 रन न्यूजीलैंड ने बना ली है एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 12वां ओवर चल रहा है। मेरे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मेरे भाइयों आप सभी लोगों का। 12वां ओवर चल रहा था और 12वें ओवर में ही दोस्त इस मुकाबले के अंदर तीसरी गेंद पर चोटें लगी हैं, चोट लग गई है जहां पर इंजर्ड हो चुकी हैं अमेलिया कैर, और 28 रन बनाकर 26 गेंदों में खेल रही थी, लेकिन अब अमेलिया कैर का यहां से शायद खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। अभी भी देखा जाए तो मुकाबले में इस ओवर के बाद 8 ओवर का खेल बचा हुआ है, और 8 ओवर के खेल में देखने वाली बात होगी न्यूजीलैंड की टीम कितना स्कोर बना पाएगी या न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को जीत पाती है। आप लोग कमेंट में बताना ना भूलिए दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। मैं अपने भाइयों का, मैं अपने दोस्तों का स्वागत करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों, आपके जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोगों का स्वागत है इस मुकाबले में। 11.3 ओवर की समाप्ति हो गई है, टीम का स्कोर 71 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 12वां ओवर चल रहा है। सूजी बैट्स 33 गेंदों में 31 पर हैं, और वहीं पर अमेलिया कैर 26 गेंदों में 28 रन बनाकर खेलती हुई दोस्तों नजर आ रही हैं। चलिए फिलहाल अब देखने वाली बात हो सकती है मुकाबले के अंदर की क्या होगा। अगली गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार चलेंगे, गेंदबाजी लेकर तैयार सबर की चौथी गेंद। अमेलिया कैर ने इस बार इस गेंद को पंच कर दिया है और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ अमेलिया कैर के बल्ले से, अमेलिया कैर के बल्ले से निकलता हुआ चौथा चौका आज के मुकाबले में, और न्यूजीलैंड वुमेन 75 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 81 रन बनाने हैं 50 गेंदों में, 9.72 का स्ट्राइक इकोनॉमी रिक्वायरमेंट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत पाती है या फिर इस मुकाबले के अंदर साउथ अफ्रीका इस मैच के अंदर अपना कारनामा करती हुई नजर आने वाली है। निश्चित रूप से साउथ अफ्रीका मुकाबला जीतेगी या न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी। अगली गेंद ईश्वर की, जहां पर 5वीं गेंद पर फ्लिक कर दिया है और एक और सिंगल आता हुआ। बरीस खान बोल रहे हैं न्यूजीलैंड इस मैच को जीतेगा, लेकिन मेरा सपोर्ट दक्षिण अफ्रीका को है आज के मैच में।
मैं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतेगा। पांचवी गेंद पर सिंगल आएगा, सिंगल के साथ ही 76 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 49 गेंदों में 80 रन बनाने हैं। अभी भी लगभग देखा जाए तो 9.5 रन से ऊपर का रिक्वायरमेंट चल रहा है, और अगर एक दो विकेट आ जाते हैं, लेकिन विकेट नहीं, इस ओवर की खराब गेंदबाजी, खुलासा की गेंद, कदमों का प्रयोग किया, 4 रन मिलेंगे सूजी बैट्स के लिए। जी हाँ, चौका जड़ दिया है इसी के साथ ही सूजी बैट्स ने, पहुंच गए हैं 35/34 गेंदों में। 2 चौके इस ओवर में आए, 12 रन इस ओवर के अंदर आए। न्यूजीलैंड का स्कोर हो चुका है 80 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही बढ़िया मुकाबला और बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 80 रन है एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों, ये 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आने वाले 8 ओवर का खेल अभी बचा हुआ है, और 8 ओवर 48 गेंदों में अभी 76 रन बनाने हैं। 9.5 रन प्रति ओवर से न्यूजीलैंड वुमेन को यह मैच रन बनाना है। देखते हैं कि 9.5 रन से क्या रन बन पाते हैं, क्या न्यूजीलैंड की टीम 9.5 रन प्रति ओवर से रन बनाने में कामयाब हो पाती है, ये दोस्तों आने वाला समय बताने वाला है। मेरे भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोगों का स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं इस मैच में। तो 12 ओवर हो चुके हैं और 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर टीम का 80 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल इसी के साथ ही अब 13 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 13 ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाजी में, देखते हैं क्या होगा। 13 ओवर की पहली गेंद, और इस ओवर की पहली गेंद को मिलिया कैर ने पुल कर दिया है, गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए खौर चौका आता हुआ। न्यूजीलैंड टीम की शानदार शुरुआत इन 7 गेंदों में, 16 रन आ चुके हैं पिछली 7 गेंदों के अंदर न्यूजीलैंड के लिए, और न्यूजीलैंड वुमेन फिलहाल 84 रन पर एक विकेट गंवाने के साथ ही अब जीत की ओर बढ़ रही है इस मैच के अंदर। अगली गेंद, और इस बार अगली गेंद को कदमों का प्रयोग किया, फिल्टॉस थी गेंद को बनाते हुए, बॉलर के बगल के ऊपर से, बिल्कुल बॉलर के ऊपर से खेल दिया, 4 रनों के लिए कॉर्ट चौका आता हुआ। 88 रन पर एक विकेट है। ये 13वां ओवर चल रहा है और 13वां ओवर की 2 गेंदों में 2 चौके आ चुके हैं। अखिलेश कुमार वेरी गुड बोल रहे हैं, अखिलेश कुमार बोल रहे वेरी गुड कमेंट्री सर, थैंक यू वेरी मच अखिलेश भाई आपका। 13वां ओवर चल रहा है, 12.2 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लिखते हैं कि क्या तीसरी गेंद पर भी चौका मिलेगा, क्या एक और चौका देखने को मिलेगा इस ओवर में। अगली गेंद पर इस बार जी नहीं, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फुल किया, लेकिन मिड विकेट के फील्डर पीछे मौजूद थे, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार फिर से बॉलर चलती हुई सिकुंगानी जा रही हैं, सामना कर रही हैं सूजी बैट्स, जिन्होंने इस मुकाबले के अंदर 34 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर इस मुकाबले में अपनी शानदार शुरुआत की, एक बिगुल बजा दिया है इस मुकाबले के अंदर। चौथी गेंद लेकर तैयार सिकुंगानी चलेंगी अगली गेंद सूजी बैट्स के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, चौथी गेंद इस ओवर की, सूजी बैट्स सामना कर रही हैं। टीम का स्कोर है न्यूजीलैंड का अभी भी 89 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस बार उठाकर खेला है गेंद को और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन का फील्डर वहां पर मौजूद थे, जब तक खाका गेंद को फील्ड करती है कैच छोड़ दिया इन्होंने। ये कैच छोड़ना बड़ा महंगा पारी पड़ सकता है टीम न्यूजीलैंड टीम वहां पर साउथ अफ्रीका के लिए। निश्चित रूप से न्यूजीलैंड इस मुकाबले के अंदर जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया है, बहुत बड़ा कैच हो सकता था, ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता था न्यूजीलैंड टीम के लिए। 91 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद 12.4 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए, मौके मिलते हैं आपको, ऐसे हर बार मौके नहीं मिलते हैं, मौके मिलते हैं तो विकेट्स लेने के, लेकिन अभी तक वो विकेट मिला नहीं है न्यूजीलैंड टीम के लिए। अच्छी शुरुआत मिली है इस मुकाबले के अंदर, 2 चौके इस ओवर में आए हैं, और अगली गेंद इस बार पुल कर दिया, इस बार संपर्क अच्छा है लेकिन ऊंची गेंद चली गई थी, इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं थी, ऐसा लगा कि संपर्क अच्छा था, जब तक डीप स्कोर लेके फील्डर गेंद को फील करेंगे, 2 रन आसानी के साथ न्यूजीलैंड ने पूरे कर लिए, और इन्हीं 2 रनों के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 93 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 13वां ओवर चल रहा है, न्यूजीलैंड वुमेन 93/1, ये 13वां ओवर चलता हुआ। अबेलिया केर 42 पर मौजूद है 31 गेंदों में, सूजी बैट्स 39 पर मौजूद है 36 गेंदों में। टीम का स्कोर 93 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। 13वां ओवर चल रहा है,
आखिरी गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाजी में। सिकोंग की अगली गेंद का सामना कर रही हैं सूजी बैट्स। सूजी बैट्स ने फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद को पंच कर दिया है और इस बार गेंद सीधी दीपक से कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए खोर चौका आता हुआ। इस बार क्षमा चाहूंगा, गेंद जो है बल्ले को छकाती हुई चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों के बगल से होती हुई चार रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर की बगल से खेलने का मौका था, बहुत बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, बल्ले का कोई एज नहीं लगा, गेंद विकेट कीपर को भी छुक गई, चुकाती हुई चली गई सीधा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। 97 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। बाई का चौका आता हुआ। वरीज खान बोल रहे हैं कि वेरी नाइस कॉमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। देखिए हम कॉमेंट्री में पूरी ताकत लगा देते हैं, हम कभी भी कहीं ना कहीं ताकत पूरी लगा देते हैं। इसी के साथ ही स्कोर टीम का 13 ओवर की समाप्ति के बाद 97 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों इस मुकाबले में मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं बता दूं मुझे काम आ गया था ना, इसलिए यार कहीं ना कहीं मेरी जो कमेंट्री थी वो आपको सुनने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब कोई काम नहीं आया है, पूरे मैच की कॉमेंट्री आप हमारे साथ सुनने वाले हैं। 14वां ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर हो चुका है 98 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में जाती हुई फिलहाल इस ओवर की 14वें ओवर की पहली गेंद को खेला है इस बार एक और सिंगल के लिए, और सिंगल के साथ इसको टीम का 98 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 14वां ओवर चल रहा है, अगली दो गेंदों के अंदर 2 रन आ चुके हैं और आने वाली दो गेंदों में देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये 14वां ओवर चल रहा है, ट्रियोन गेंदबाजी करने आई हैं, ट्रियोन विकेट की तलाश में आए हैं, विकेट मिल नहीं रहा है ट्रियोन के लिए। सभी मैच में आप कॉमेंट्री सर जी करिएगा, बिल्कुल हर मैच की कॉमेंट्री आपको हमारे साथ मिलने वाली है। वर्ल्ड कप में कॉमेंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि वर्ल्ड कप में कॉमेंट्री अलाउ नहीं है, अगर वर्ल्ड कप की कॉमेंट्री करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, इसलिए वर्ल्ड कप की कॉमेंट्री हमारे चैनल पर नहीं है। अगली गेंद इस ओवर की तीसरी गेंद और इस बार इस गेंद को न जा सकता के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया है चार रन के लिए। एक और चौका आता हुआ, इस बार ओपन स्टंप के बाहर थी गेंद, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया था, लेट कट किया था, इस बार चार रन के लिए गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री के बाहर चार रन। एक और चौका आता हुआ, न्यूजीलैंड वुमेन 103 पर एक है। फिलहाल बहुत बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस मुकाबले में, जहां पर मुकाबला रोमांचक और बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस मैच में। अगली गेंद पांचवी गेंद लेकर तैयार फिर से चलेंगे इस ओवर की अगली गेंद, थ्री ऑन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर सिंगल चुराया, दूसरे रन की मंशा थी लेकिन नहीं लिया, ओवर की समाप्ति, अब एक गेंद की बात होगी। आप बहुत अच्छी कॉमेंट्री करते हैं अखिलेश भाई, बोल रहे हैं धन्यवाद अखिलेश जी आपका। अभी 20 ओवर के बाद 6 ओवर का खेल बचा हुआ है और 37 गेंदों में 52 रन बनाने हैं। अगली गेंद अंतिम गेंद का सामना करेंगी सूजी बैट्स, 40 पर मौजूद है, 38 गेंदों में बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। ट्रियोन चली अंतिम गेंद को लेकर तैयार, क्या विकेट आएगा इस ओवर में, क्या एक विकेट लेने वाली है, नहीं भैया सूजी बैट्स को रोकना नामुमकिन लग रहा है। और इस ओवर की अंतिम गेंद पर सूजी बैट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से इस बार गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर से खेल दिया चार रनों के लिए, कलाइयों का प्रयोग करते हुए गेंद को मोड़ दिया था शानदार तरीके से चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 14 ओवर हो चुके हैं और 214 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 108 रन फिलहाल इस मुकाबले के अंदर एक विकेट के नुकसान के बाद। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है न्यूजीलैंड टीम की तरफ से। फिलहाल अभी तक देखा जाए तो 108 रन बनाए गए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद मेरे भाइयों। न्यूजीलैंड वुमेन ने 108 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद, 14 ओवर हो चुके हैं। अमेलिया कैर 48 पर मौजूद है 35 गेंदों में। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे 23,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। 14 ओवर के बाद 108 रन इसको टीम का हो चुका है इस मुकाबले में। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद पर एक और बढ़िया गेंद थी, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा और टीम का जो स्कोर है वो हो चुका है इस मुकाबले में फिलहाल 108 रन और एक विकेट के नुकसान के बाद इस मैच में। चलिए इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार चलेंगे, फिलहाल अब दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, अभी भी स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड वुमेन का 108 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 15वां ओवर चल रहा है और 15 ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होंगी गेंदबाज फिलहाल इस ओवर की तीसरी गेंद, जहां पर तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है इस ओवर की अगली गेंद। और इस ओवर की तीसरी गेंद पर उठा दिया, एक बार फिर से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए।
क्या बात है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई इस मुकाबले के अंदर, जितनी तारीफ करें वो कम है। कमाल की शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से देखने को मिल रही है इस मुकाबले के अंदर। बैक टू बैक चौके देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक विकेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विकेट नहीं मिल रहे हैं। ये हमें ज़रूर देखने को मिला है कि विकेट नहीं आ रहे हैं भैया। चलिए देखते हैं विकेट आता है या नहीं आता है, तो दोस्तों आने वाला समय बताने वाला है। इसी के साथ ही आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। 14.4 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन टीम का स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों अगली गेंद लेकर तैयार पांचवीं गेंद ओवर की, सामना करने के लिए तैयार हैं, देखते क्या होगा ओवर की अगली गेंद। पांचवीं गेंद लेकर तैयार मलावा चलेंगे, मलावा की अगली गेंद अमेलिया कैर, अमेलिया कैर ने इस बार इस गेंद को डिफेंस कर दिया, कोई रन लेने का मौका नहीं है। 112 रन न्यूजीलैंड एक विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल ये 15वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों, 15वां ओवर चल रहा है, आने वाली एक गेंद और है इस ओवर की। और इस ओवर के अंदर देखा जाए तो टीम का स्कोर 112 रन एक विकेट के नुकसान के बाद हो चुका है। अंतिम गेंद इस ओवर की, कोई रन नहीं मिलेगा, ओवर की समाप्ति। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 15 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर हो चुका है 112 रन एक विकेट के नुकसान के बाद, 112 for 1। बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों आज के मुकाबले के अंदर। जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़ा है या जो भी भाई हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहा है, 15 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 112 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। भैया 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है इस मुकाबले में। आने वाले फिलहाल इस ओवर के अंदर देखा जाए तो देखने वाली बात हो सकती है कि इस ओवर के अंदर क्या 16वें ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि अभी तक 15 ओवर का खेल हुआ है और 112 रन टीम ने बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। अमेलिया कैर 52 पर मौजूद हैं, सूजी बैट 44 पर मौजूद हैं 39 गेंदों में। 16वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी में एंडी क्लर्क आई हैं, क्लर्क की पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा और लाल एक विकेट के नुकसान के बाद। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ आया है मेरे भाइयों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा तकनीकी इश्यूज़ आ गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले में। फिलहाल इसी के साथ ही अगली गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार एंडी क्लर्क चलेंगी, अगली गेंद का सामना कर रही हैं बल्लेबाजी में अमेलिया कैर। अमेलिया कैर ने आज 52 रनों की पारी के लिए अगली गेंद पर इस बार इस गेंद को वाइड बॉल का सहारा अंपायर ने दे दिया है और वाइड बॉल के साथ ही स्कोर 114 हो चुका है एक विकेट के नुकसान के बाद। 16वां ओवर चल रहा है इस मुकाबले में। चलिए तो 16वां ओवर चल रहा है मेरे भाई और अभी तक हम बात करेंगे तो टीम का स्कोर 115 हो चुका है फिलहाल इस मैच के अंदर एक विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों इस मुकाबले के अंदर फिलहाल अगली गेंद ओवर थ्रो का सिंगल आता हुआ और एक एक रन के साथ ही स्कोर हो चुका है टीम का बढ़ता हुआ 116 रन फिलहाल इस मैच के अंदर। देखा जाए एक विकेट के नुकसान के बाद इस मैच में हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं आप सभी लोगों का मैं फिलहाल स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं यार। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करते रहेगा। अगली गेंद लेकर तैयार इस ओवर की चौथी गेंद, जहां पर सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का, स्कोर टीम का हो चुका है 116 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 16वां ओवर चल रहा है, अमेलिया कैर 54 पर खेल रही हैं और सूजी बैट्स ने अभी तक देखा जाए तो 45 रनों की पारी 41 गेंदों में खेली है। 16वें ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार आइटम ओवर द विकेट चली अगली गेंद इस ओवर की, जहां पर फिलहाल एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल सिंगल के साथ ही टीम न्यूजीलैंड 117 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ये 16वां ओवर चल रहा है। संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ सभी दोस्तों का स्वागत है इस मुकाबले के अंदर और अभिनंदन करता हूं मैं जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में। इसी के साथ ही चौथी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, चार गेंदों में 5 रन इस ओवर में आ चुके हैं और अब मुकाबले में देखने वाली बात हो सकती है कि रनों की जो गति हुई नजर आने वाली है। अगली गेंद इस ओवर की लेकर तैयार, अपील हो रही है और विकेट आता हुआ। इसी के साथ ही एंडी क्लर्क ने आखिरकार LBW आउट कर दिया है वेट्स को, सूजी वेट्स ने बनाया 45 रन 42 गेंदों में, 117 रन न्यूजीलैंड ने बनाए आज के मुकाबले के अंदर दो विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और LBW आउट दे दिया अंपायर ने 117 पर, दूसरा विकेट न्यूजीलैंड वुमेन का गिरता हुआ है इस मुकाबले के अंदर मेरे भाइयों। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा झटका लगा है टीम न्यूजीलैंड के लिए LBW आउट होती हुई बल्लेबाजी में। सूजी बैट्स अपने अर्धशतक के करीब थी लेकिन उनका विकेट गिरता हुआ
साउथ अफ्रीका वापसी कर सकती है अगर एक दो विकेट यहां से जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। अभी भी देखा जाए तो 25 गेंदों में 39 रन चाहिए, मतलब कि लगभग देखा जाए अगर एक गेंद निकल जाती है तो 10 रन प्रति ओवर से रन बनाना होंगे, और 10 रन प्रति ओवर रन बनाना आखिरकार उतना आसान होता नहीं है। देखते हैं कि क्या आसान हो पाएगा या नहीं। फिलहाल शुरुआत अच्छी न्यूजीलैंड की हुई है, लेकिन उसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरफ से भी एक विकेट मिलने के साथ मुकाबले में मज़ा आने वाला है, या मैच के अंदर मज़ा आने वाला है। 16वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी चले इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट चलेंगी, अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है सूफी डिवाइन। डिवाइन जिन्होंने आज के मुकाबले में अभी तक अब कोई रन नहीं बनाया है, क्योंकि डिवाइन पहली गेंद का सामना करेंगे आज के मुकाबले के अंदर। दोस्तों अगली गेंद फिलहाल इस ओवर की लेकर तैयार, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार बारिश खान जी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद अंतिम गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, और सिंगल के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड का स्कोर हो चुका है 118 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। 118 फॉर टू न्यूजीलैंड वुमेन। 16 ओवर की समाप्ति हो गई है, 16 ओवर हो गए हैं समाप्त, अब 4 ओवर का खेल बचा है मेरे भाइयों, और 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 118 रन फिलहाल दो विकेट के नुकसान के बाद। उस मुकाबले में हमारे जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिलहाल 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 17वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों, 17वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, 4 ओवर का खेल अभी बचा हुआ है, 4 ओवर का खेल समाप्त बचा हुआ है दोस्तों, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। और टीम का स्कोर 118 रन है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे दो विकेट के नुकसान के बाद, 118 रन स्कोर टीम का हो चुका है दोस्तों। 17वां ओवर चल रहा है, पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, एक और सिंगल आता हुआ, एंडी क्लर्क ने 3 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट छटकाया है, जहां पर अमेलिया केर 55 पर मौजूद हैं 43 रन गेंदों में, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए अमेलिया केर ने आज गेंदबाजी भी बढ़िया करी है और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर रही हैं, मैच को जिताने का केर का आज के मुकाबले के अंदर, जी अमेलिया केर का प्रयास पूरा है कि इस मुकाबले को जीता जाए। और अभी तक हम बात कर रहे हैं तो मुकाबला बहुत ही शानदार और एक अच्छा और रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस मुकाबले में। अगली गेंद तीसरी गेंद लेकर तैयार, स्वर की तीसरी गेंद पर इस गेंद को खेला है एक और सिंगल के लिए, और सिंगल के साथ ही स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड का 120 रन दो विकेट के नुकसान के बाद उस मैच में, जहां पर फिलहाल 120 रन टीम ने बना लिए हैं दो विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद स्वर की और पुल कर दिया है 4 रनों के लिए, 4 रन मिलेंगे बल्लेबाजी में डिवाइन के लिए, डिवाइन ने जड़ दिया है पहला चौका अपनी टीम के लिए, और टीम का ये शानदार शॉट के साथ ही स्कोर 124 हो चुका है दो विकेट के नुकसान के बाद। ये 17वां ओवर चल रहा है, 16.3 ओवर की समाप्ति, 124 रन हमारे साथ जुड़े हैं। 17वां ओवर चल रहा है, अभी भी 31 रन चाहिए 20 गेंदों में मैच जीतने के लिए। चौथी गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, 125 रन इसको टीम का हो चुका है फिलहाल इस मैच के अंदर दो विकेट के नुकसान के बाद। यहाँ एक अच्छा मुकाबला और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ इस ओवर की पांचवीं गेंद, और इस ओवर की पांचवीं गेंद को बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया है 4 रनों के लिए, सीधा बाउंड्री के बाहर चौका, चौके के साथ ही इसको टीम का हो चुका है 129 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। ये 17वां ओवर चल रहा है, 17वें ओवर की अगली गेंद पर देखते कि क्या होने वाला है, क्योंकि रनों की अब बौछार कर दी है भैया, रन लगातार गिरते हुए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, यह रन लगातार बढ़ रहे हैं। इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो 2 चौके आ चुके हैं और 11 रन का ओवर रहा है, मतलब कि अब यहाँ से 19 गेंदों में 27 रनों की पारी और करनी है। अगली गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, न्यूजीलैंड वुमेन फिलहाल 130 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। दोस्तों ये 17 ओवर का खेल चल रहा है, 18वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होंगे, और 18वें ओवर में देखते हैं कि मुकाबला किस तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के मुकाबले में, जहां पर न्यूजीलैंड वुमेन का अब यहां से जीतना थोड़ा सा चांस बन चुका है, क्योंकि अब 28 रन और बनाने हैं
26 रन बनाने 18 गेंदों में, इस ओवर में 12 रन आए हैं। एक अच्छा ओवर निकालना होगा अगर साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतना है। मैं अभी भी दोस्तों साउथ अफ्रीका को ही सपोर्ट कर रहा हूं आज के मुकाबले के अंदर। मैं सपोर्ट आज दक्षिण अफ्रीका को ही कर रहा हूं, तो आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका क्या सपोर्ट के साथ आगे चलने वाली है और क्या साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ने वाली है। चले इसी के साथ ही अगली गेंद लेकर तैयार अब गेंदबाजी में जाते हुए। फिलहाल मुकाबला बहुत ही शानदार चल रहा है, मुकाबला रोमांचक चलता हुआ। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 129 रन। अगली गेंद इस बार विकेट आ चुका है भैया, यही जरूरत थी खलासा के द्वारा। पहली गेंद पर विकेट आया इस ओवर में, दूसरा विकेट मिला क्लास के लिए और टीम का स्कोर हो चुका है 130 रन। 3 विकेट के नुकसान के बाद एक बड़ा झटका लगा है टीम न्यूजीलैंड के लिए और मुकाबले के अंदर एक बार फिर से मैच के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर फिर से मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निश्चित रूप से मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है, देखा जाए तो विकेट लगातार गिर रहे हैं। 130 पर तीसरा विकेट न्यूजीलैंड ने गवा दिया 18 ओवर की पहली गेंद पे। इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था, गेंद जो है वो ऊंची चली गई थी इस बार और आसान सा कैच वहां पर पकड़ा गया। लेग स्टंप की ओर तरफ जा रही थी गेंद। 130 पर तीसरा विकेट गिर चुका है न्यूजीलैंड का, 130 पर 3 विकेट न्यूजीलैंड ने गवा दिए हैं। 18वां ओवर चल रहा है, मेलिया कैर 61 पर है। 47 गेंदों में डिवाइन ने 4 गेंदों में 7 रनों की पारी खेली है। हमारे साथ आप सभी लोगों का मैं लाल स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमेलिया केयर अभी जो कि आउट होकर जा चुकी हैं, ग्रीन आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए और अब ग्रीन देखते हैं कि क्या बल्लेबाजी कर पाती हैं। अभी अभी अमेलिया केयर ने 61 रनों की पारी खेली, उनको खुलासा ने आउट किया है। सिलुन रूस ने अच्छा कैच पकड़ा है और अब देखते हैं कि इस ओवर की फिलहाल जो कि 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अमेलिया केयर इस बार बढ़िया बहुत बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रही थी लेकिन फ्लाइटेड डिलीवरी थी, फ्लाइट थी गेंद में, बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। अगली गेंद पर वाइट बॉल आते हुए और वाइट बॉल के साथ ही 17.1 ओवर की समाप्ति के बाद 131 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड की टीम ने 131 रन दोस्तों बना लिए 3 विकेट के नुकसान के बाद। ये 18वां ओवर चल रहा है, हमारे जितने भी भाई जुड़े हुए मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ उस मुकाबले में। अगली गेंद लेकर तैयार स्वर की फिलहाल दूसरी गेंद क्लास से चले, अगली गेंद का सामना करें ग्रीन। इस बार अच्छी गेंद थी, एक और सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ ही न्यूजीलैंड वुमैन 132 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 18वां ओवर चल रहा है। 18वां ओवर दोस्तों चलता हुआ नजर आ रहा है, 2 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर के अंदर। टीम का स्कोर 132 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। हमारे साथ आदित्य कुमार प्रजापति भाई का स्वागत है, आप बहुत अच्छा कॉमेंट्री कर रहे हैं अखिलेश यादव कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही अगली गेंद तीसरी गेंद लेकर तैयार, खुलासा चले राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद डिवाइन के लिए, डिवाइन इस बार हल्के हाथों से कदमों का प्रयोग करके गेंद को खेला मिडॉन की तरफ। मिडॉन के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और एक रन के साथ ही इसको टीम का हो चुका है 133 रन फिलहाल दोस्तों 3 विकेट के नुकसान के बाद। हमारे साथ आदित्य कुमार प्रजापति भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद चौथी गेंद लेकर तैयार, फिर से चलेंगे गेंदबाजी में। खुलासा सामना कर रही हैं ग्रीन, ग्रीन ने एक रन बनाया है गेंद के अंदर। टीम का स्कोर 133 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 18वां ओवर चल रहा है, 18वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, चौथी गेंद इस ओवर की क्लास चलेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना कर रहे हैं ग्रीन, ग्रीन जो कि इस ओवर की अगली गेंद को इस बार गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ एक रन के लिए। लेग स्टंप की गेंद थी और आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेग बाई के रूप में फ्लिक करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद थाई पेड पर टकरा कर चली गई थी। इस बार एक भी रन जो है बल्ले से तो नहीं माना जाएगा लेकिन लेग बाई का सिंगल जो है आता हुआ 134 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। इस ओवर में अभी तक मात्र 4 रन आए हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है क्लासा ने। 5वीं गेंद को उठाकर खेल दिया है इस बार डिवाइन ने, ऊंची गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद और आउट। मैंने दोस्तों आपको पहले बोला था, मैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा सपोर्ट साउथ अफ्रीका को है आज के मुकाबले के अंदर और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरी साउथ अफ्रीका की जो टीम है आज इसको सपोर्ट कर रहा था, आप लोग बोल रहे थे नहीं न्यूजीलैंड नहीं जीतेगा, लेकिन देखिए अभी जीत किसी की हुई नहीं है, अभी जीत किसी की हुई है नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका की वापसी हो गई है जी हाँ, वापसी हो चुकी है। डिवाइन भी आउट होकर जा रही है इस मुकाबले के अंदर, एक और विकेट गिरता हुआ इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं एक और विकेट आ चुका है टीम न्यूजीलैंड का। 134 पर एक और झटका न्यूजीलैंड टीम को लग चुका है इस मुकाबले में। मेरे भाई आप सभी लोगों का मैं
स्वागत अभिनंदन करता हूं। लगातार विकेट गिरने से अब परेशानी बन चुकी, डिवाइन को आउट कर दिया। बूच ने कैच पकड़ा है, बूच ने कैच पकड़ा था खलासा की गेंद पर, खलासा की गेंद पर बूच ने कैच पकड़ा है। 17.5 ओवर, 134 for 4, 17.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ये आखिरी गेंद लेकर तैयार, अंतिम गेंद इस ओवर की। अब देखते हैं कि अंतिम गेंद पर क्या होने वाला है, अंतिम गेंद पर क्या होगा। आखिरी गेंद इस ओवर की देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाली है भैया, अंतिम गेंद पर क्या होगा देखने वाली बात हो सकती है। चार विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों बस यहां पर दो ओवर का खेल बचा हुआ है, दो ओवर को बचे चल देखते हैं। 134 रन, चार विकेट के नुकसान के बाद अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, एक और सिंगल मिल जाएगा दोस्तों इसी के साथ ही। 12 गेंदें बची हुई हैं, 12 गेंदों में 21 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। न्यूजीलैंड वुमेन्स के लिए मुकाबला जीतना है तो दोस्तों अब यहां पर 22 रन और बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए। 12 गेंदों में 22 रन बनाने हैं, मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीत सकता है ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। आप लोगों की प्रेडिक्शन जरूर बताइए, आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या कह रही है। आप लोग भी दोस्तों प्रेडिक्शन करते रहें, प्रेडिक्शन करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोगों का भी जरूरत है प्रेडिक्शन करने के लिए। 18 ओवर के बाद 134 पर 4 है न्यूजीलैंड, ग्रीन 2 गेंदों में 1 पर है, हॉलीडे 2 एक गेंद के अंदर खाता नहीं खोल पाई है। टीम का स्कोर न्यूजीलैंड के 134 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक मुकाबला चल रहा है। हॉलीडे एक गेंद के अंदर खाता नहीं खोल पाए और टीम का स्कोर हो चुका है 134 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने भाइयों का स्वागत करता हूं, हमारी कॉमेंट्री का आनंद लेने के लिए आप सभी का स्वागत है। 134 for 5, 19th ओवर चल रहा है, पहली गेंद पर विकेट आ चुका है दोस्तों, पहली गेंद पर विकेट एंडी क्लर्क ने चटका दिया है, कैच आउट हो गई है एंडी क्लर्क की गेंद पर मिड ग्रीन, और इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका मैच में वापसी कर चुकी है इस मुकाबले के अंदर। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि मैं सपोर्ट आज साउथ अफ्रीका को करूंगा, मेरा सपोर्ट आज दक्षिण अफ्रीका को रहेगा, और ये लीजिए दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट मैंने किया था और अब दक्षिण अफ्रीका इस मैच में वापसी भी कर चुकी है। ऑन वेट्स इन द डस्ट इन द वाइट फ्रंट दोस्तों, यहाँ पर अंडर द प्रेशर बॉल बल्लेबाजी कर रही थी क्लर्क टू ग्रीन के लिए और आसान सा कैच चला गया है बॉलवट के हाथों में। लॉरा बॉलवट ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया और एंडी क्लर्क को मिल गई एक और सफलता आज के मुकाबले में। पहली गेंद पर विकेट मिला है इस ओवर में, 2 विकेट चटका चुके हैं एंडी क्लर्क। 134 पर अब 5 हो चुका है न्यूजीलैंड वुमेन का स्कोर। आज मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता रहा था कि मैं आज साउथ अफ्रीका टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, दक्षिण अफ्रीका टीम को मैंने आज सपोर्ट किया है। पहले भी मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि आज मेरा सपोर्ट साउथ अफ्रीका टीम को रहेगा और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आज हम दक्षिण अफ्रीका टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही कोई जीते लेकिन मैं सपोर्ट करूंगा साउथ अफ्रीका टीम के लिए। 19वां ओवर चल रहा है, 19वां ओवर की 2 गेंदें अभी तक फिलहाल इस ओवर के अंदर हो चुकी हैं और 2 गेंदों में कोई रन नहीं आया है। अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाजी में चलेंगे फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद को लेकर तैयार। अगली गेंद वाइड बॉल का सहारा आता हुआ और वाइड बॉल के साथ ही इसको टीम का 135 हो चुका है, 5 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर। 19वां ओवर चल रहा है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद 135 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं मेरे भाइयों इस मुकाबले के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इसी के साथ ही इस ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल आएगा और सिंगल के साथ ही स्कोर टीम का हो चुका है 136 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद 18.। फिलहाल दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 गेंदों में 20 रन चाहिए। अब ये मुकाबला दोस्तों कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले के अंदर जीतने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। चौथी गेंद लेकर तैयार, हैंडी क्लर्क चली सामना कर रही है हॉलीडे, हॉलीडे जिन्होंने आज के मुकाबले के अंदर अभी तक खाता नहीं खोला है और टीम का स्कोर 136 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद हो चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट,
अगली गेंद पर फ्लिक कर दिया था सिंगल के लिए, और सिंगल के साथ इसको टीम दक्षिण अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का, और विकेट रन आउट हो गए, रन आउट हो गई वहां पर। चौथा ओवर, इस ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट के रूप में छठवां विकेट न्यूजीलैंड ने गवा दिया है। हमने आपको दोस्तों पहले ही बोल रहा था, जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जुड़े थे वो बोल रहे थे भैया आज मुकाबला न्यूजीलैंड ही जीतेगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीतेगी। अभी जीत नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इस मैच में वापसी कर चुकी है। क्या मुकाबला रहा है, क्या मुकाबला रहा है, मज़ा आ गया भैया मुकाबले के अंदर तो। और इसी के साथ मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि आज मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ। देख लीजिए भैया साउथ अफ्रीका वुमेन कहाँ आ चुकी है, मुकाबले के अंदर आ चुकी है, मुकाबला जीत रही है भैया, जीत रही है मुकाबला दक्षिण अफ्रीका, मुकाबला जीत रही है दक्षिण अफ्रीका। 20 रन चाहिए, 8 गेंदें बची हैं, न्यूजीलैंड की आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन जा चुकी है। और मैं आपको लगातार बोल रहा था आज के मुकाबले के अंदर, मैंने आपको दोस्तों पहले ही बोला था कि आज का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका जीतेगा। आप लोग बोल रहे थे कि नहीं न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही होती है। अभी जीत नहीं हुई है, अभी कोई टीम जीती नहीं है, अभी कोई टीम हारी नहीं है, क्रिकेट अभी चल रहा है, और क्रिकेट जब तक आखिरी गेंद तक चलता है। हमारे साथ फतेशपाल सिंह का स्वागत है, हमारे साथ आई लव यू डार्लिंग हमारे साथ बोल रहे हैं फतेशपाल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आदित्य कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, यार थोड़ा सा स्कोर कार्ड रुक रहा है कभी कभी, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। चलिए इसी के साथ ही अब अगली गेंद लेकर तैयार, पांचवीं गेंद लेकर तैयार होगी, और पांचवीं गेंद का आप सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाजी में। तहियू आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तहियू जो कि एक टीम की गेंदबाजी करती हैं, और देखते हैं कि उनके बल्ले से क्या एक दो शॉट आते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आ पाएंगे, और न्यूजीलैंड इस मैच को मुझे नहीं लगता जीत पाएगा। लीजिए इस ओवर की पांचवीं गेंद पर एंडी क्लर्क ने एक और विकेट बोल्ड कर दिया तहू के लिए। अब तो दक्षिण अफ्रीका की जीत पक्की लग रही है, 137 पर सातवां विकेट दक्षिण अफ्रीका ले चुका है, न्यूजीलैंड का एक और विकेट गिर चुका है। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि मैं आज सपोर्ट साउथ अफ्रीका को कर रहा हूं, हम एक टीम को सपोर्ट करते हैं तो एक ही टीम को सपोर्ट करते हैं, और हम लगातार एक ही टीम को सपोर्ट करते हुए जाते हैं, और वही हम आपको बता रहे हैं कि मेरी सपोर्ट करी हुई टीम है दक्षिण अफ्रीका, आज मैं सपोर्ट कर रहा था। और देख लीजिए आखिरी समय में देख सकते हैं 137 पर सात है न्यूजीलैंड, सात विकेट के नुकसान के बाद 19वां ओवर चल रहा है, अभी भी सात गेंदें बची हैं, और सात गेंदों में 19 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए बिल्कुल जैसा हमने कहा था वैसा वैसा हो रहा है इस मुकाबले में, लगातार हमारी प्रेडिक्शन सही जा रही है। आज मैंने बोला था कि मैं दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा, और दक्षिण अफ्रीका ही जीत रही है इस मैच के अंदर। जो अगली गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, छह गेंदों में अब 19 रन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी बॉलर्स के सामने। आसान सा मैच बना दिया है साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में, एक तरफा मुकाबला था, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मुकाबला हार ही नहीं सकता है, जीत ही नहीं सकता है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम साउथ अफ्रीका के साथ थे, और दक्षिण अफ्रीका को प्रेडिक्शन में हमने दी थी कि आज साउथ अफ्रीका जीतेगी, और ये लीजिए हमारी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई है, इसमें कोई दोराई नहीं है। 19 ओवर हो चुके हैं, 19 ओवर की समाप्ति के बाद 137 रन टीम ने बनाए हैं इस मुकाबले के अंदर, जहां पर फिलहाल 137 पर सात है दक्षिण अफ्रीका। न्यूजीलैंड वुमेन क्षमा चाहूंगा, लगातार इस मुकाबले के अंदर देखा जाए तो इस मैच में विकेट लगातार गिरे हैं, और इसी के साथ ही इसको टीम का हो चुका है 137 रन, सात विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों पहली गेंद लेकर तैयार, 20वें ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद पर एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ ही स्कोर हो चुका है 138 रन, सात विकेट के नुकसान के बाद 19.1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 20वां ओवर चल रहा है मेरे भाइयों, और 20वें ओवर की पांच गेंदों में 18 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, पांच गेंदें 18 रन, क्या मैच हो पाएगा भैया, पूरा जीत पाएगी न्यूजीलैंड की टीम, पांच गेंदें 18 रन। अगली गेंद पर एक और विकेट, तू चल में आता हूं ठंडा पानी पीता हूं, यही देखने को मिल रहा है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा। एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है तो तीसरा आ रहा है,
लगातार वुमेन्स न्यूजीलैंड की टीम बिखरती हुई इस मुकाबले के अंदर नजर आ रही है। क्लीन बोल्ड कर दिया है खाका ने, एक और विकेट चटका दिया है और मेरी सपोर्ट करी हुई टीम आज जीत रही है दोस्तों। बिल्कुल, जो देखिए आप लोगों को अच्छा खासा विन भी करा दिया है आज। मैंने आपको बोला था कि आज न्यूजीलैंड की टीम नहीं जीतेगा, दक्षिण अफ्रीका जीतेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन जी नहीं, मैं क्रिकेट की भाषा को जानता हूं, क्रिकेट को पहचानता हूं कि क्रिकेट कब बदल जाएगा। हो चुका है, देखते देखते मुकाबले में क्या हो चुका है, ये सोचा नहीं था न्यूजीलैंड वालों ने क्या हो चुका है। कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर मजा आ रहा है। और इसी के साथ ही अगली गेंद, अब तीसरी गेंद लेकर तैयार होंगे। चार गेंदें 18 रन जीतने के लिए, इस बार तीसरी गेंद को खेला एक और सिंगल के लिए और सिंगल के साथ ही न्यूजीलैंड वुमेन 139/8 और 2 रन चुरा लिए इस ओवर की अगली गेंद पर। 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर 140 हो चुका है 8 विकेट के नुकसान के बाद उस मुकाबले के अंदर। अगली गेंद लेकर तैयार, चौथी गेंद इस ओवर की लेकर जाते हुए सामना करेंगे। अगली गेंद का स्कोर टीम का हो चुका है 140 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद इस ओवर की, जहां पर अगली गेंद पर 2 रन चुराए थे और 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 140 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। 140 रन स्कोर टीम का हो चुका है फिलहाल 8 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। और अब मैच के अंदर फिलहाल देखने वाली बात हो सकती है कि मुकाबला कहां चलने वाला है। 140 अगली गेंद पर एक सिंगल आ चुका है और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल 141/8। आप सेलेक्ट न्यूजीलैंड वुमेन बॉन द टॉस सेलेक्ट टू बॉल फर्स्ट, फिफ्थ T20 मैच इन साउथ अफ्रीकन ग्राउंड्स। साउथ अफ्रीकन कंडीशन एंड साउथ अफ्रीकन बेनिफिट डेफिनेटली ग्राउंड स्टाफ एंड। अगली गेंद लेकर तैयार, स्वर की पांचवी गेंद को गेंद में गैप में खेला एक और बढ़िया शॉट खेला है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, 2 रन मिल जाएंगे और 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 143 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। रन टीम ने बना लिया अगली गेंद पर एक और सिंगल और इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका मैच जीत गई है इसी के साथ ही दोस्तों। और जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि आज दक्षिण अफ्रीका मैच को जीतेगा, ये लीजिए मेरी प्रेडिक्शन सटीक साबित हो गई है आज के मुकाबले की। दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले को 10 रन से जीत चुकी है, 10 से 11 रन से मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। और वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में हार का सामना करती हुई नजर आई है इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों लाइक करते रहेगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। बीस ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और मुकाबला न्यूजीलैंड जो है इस मैच को हार गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरी जो प्रेडिक्शन थी, मेरी सटीक जानकारी थी, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक गई है मेरे भाइयों। मेरी प्रेडिक्शन दोस्तों बिल्कुल सही गई है इस मुकाबले के अंदर। शानदार जानकारी मैंने आपको दी थी कि आज के मुकाबले में जीतेगा तो न्यूजीलैंड ही जीतेगा।